चेक हालो चेक हालो हाँ जी सारे ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ऑनलाइन ऑनलाइन ठीक है भाई, थैंक यू। तो दोनों मोड में बैठा है क्या भाई? पीछे वाला कहाँ गई आज? बाकी पब्लिक चढ़ गई संडे बनाने के लिए क्या? आज सैटरडे है ना, कल संडे है, तो वीकेंड मनाने चले गए क्या सारे? अभी अभी तो आए थे, अभी तो निकला था वैलेंटाइन, फिर किधर चले गए वापस से? जबकि आज से तो सिलेबस शुरू हो रहा है, आज हाजिर होना चाहिए था। देख भाई कहाँ है बाकी लोग, बुला ले फटाफट। यस गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना दोस्तों? प्रथम कह रहे सर हम तो आ गए हैं। बेटा तू तो आ गया, बाकी लोग किधर है? आ गए? 2 मिनट से शुरू करते हैं फिर। मेरी जानकारी में सारे लोग गए हैं खोजने पीजी। हाँ जितने भी नए लोग आए हैं पहले पीजी खोजेंगे फिर आएंगे मंडे से। कैसी रही टैक्स की क्लास? बढ़िया चल रहा है। I don't see Venus in your contacts. Who बोला do ही you want नहीं to मैं, send a message to? नहीं तेरी आवाज नहीं सुनेगी सर। आपके सॉफ्टवेयर पे क्लास कब से होगी? 5 से 6 दिन बाद राजा। दस कोर्स के लिए कूपन कोड एप्लीकेशन बता दो। 100% कूपन कोड। लॉग को मेल आ गया है, अकाउंट्स के लेक्चर का नहीं आया है। ठीक है करवाओ भाई इनके अकाउंट्स के लेक्चर का मेल। इनका नाम है, अभी तो नाम भी ऐसा ऐसा लिखते हैं, वाइफ सॉरी विफ गॉड, विफ गॉड है। कराओ इनका मेल विफ गॉड का। चलिए शुरू कर ले दोस्तों, बाकी तो आते रहेंगे। अरे कहाँ थे आप? यहीं था। और भी कोई आ रहा है क्या? वरन हाँ थोड़ा एसी वेसी कूल करे इसलिए अच्छा, पहले दरवाजा बंद कर दो तो आते रहेंगे पीछे से। आजा बेटा है बहुत जगह इधर, कोई बैठा हुआ इधर? अच्छा अच्छा आ जाओ आ जाओ फटाफट आ जाओ। लता जी अपनी जगह बुक करके गई है। डबल साउंड आ रहा है, कहाँ डबल साउंड आ रहा है? चेको भाई एक बार। जयेश आवाज डबल आ रही है क्या मेरी? चलिए शुरू करें क्या फटाफट? वरुण कह रहा है सर ऐप में क्यों नहीं चल रही है? भाई थोड़ा मार्केटिंग कर लूं मैं, उसके बाद ऐप में चलाऊंगा। सिंपल सी बात है, तुम मुंह से सुनना चाहते हो बस। कितने दिग्गज दिग्गज टीचर लोग हैं, थोड़ा सा मेहनत मैं भी दिखा दूं मेरी। नहीं भाई सही बोल रहा हूं कि नहीं? हाँ अभी अभी आए तुम लोग वापस सारे। कहाँ रह गए थे सारे? कहाँ रह गए थे भाई? स्टेशनरी ले रहे थे? हाँ आ जाओ बैठ जाओ फटाफट। बैठा ले यार भाई को, बैठा ले अंदर, बैठा फटाफट भाई। जिसकी हाइट छोटी थोड़ा आगे आके बैठे करो ना तुम। मैं तुमको नहीं देख पाता, तुम स्क्रीन को नहीं देख पाते। देखो कैसे एडजस्ट करके बैठ गए लोग एकदम, बोले बैठेंगे तो फ्रंट में, चाहे जगह 8 की हो चाहे 6 की हो। चलिए टाइम हो गया शुरू कर लेते फटाफट। यानी स्टार्ट दोस्तों। यस वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द फेस टू फेस स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट्स। दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं अपना सिलेबस, शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। बट बिफोर मूविंग अहेड कुछ बातें आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि कैसे मूव ऑन करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आपको उसका क्या देता हूँ, पहले ओवरव्यू। तो आज सबसे पहले आपके सब्जेक्ट का ओवरव्यू रहेगा कि आप इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहे हो, बरोबर है? फिर
फिर अपन धीरे धीरे मूव ऑन करेंगे चैप्टर नंबर 1 दैट इज प्रीलिमिनरी। एवरीबॉडी कैसे पढ़ेंगे ये मैंने आपको पहले दिन बता दिया था। सबसे पहले क्या होता है ओवरव्यू, देन आता है हेलीकॉप्टर चार्ट, हेलीकॉप्टर चार्ट आने के बाद आती है डिटेलिंग, डिटेलिंग के बाद आता है कीवर्ड एक्सट्रैक्शन, और उसके बाद क्या आता है अपना राइटिंग प्रैक्टिस। ये 5 तरीकों से जैसे अपन चलेंगे तो अपना जीवन बहुत आसान हो जाएगा। बराबर है। मटेरियल्स की अगर बात करूं तो अब तक पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि भाई कम से कम मेरे पर थोड़ा सा ऐसे एहसान करके कम से कम 2 कलर के तो पहन लाओ कम से कम। ये मैं कम से कम क्यों बोल रहा हूं, वैसे तो मैं 3 बोलता हूं क्योंकि अंत में बॉयज के पास बचता है 1, गर्ल्स मेंटेन कर लेती 2-3 और उधार भी ले लेते हो आप, तो कम से कम 2 पेन तो मेंटेन करो कॉन्ट्रास्टिंग कलर का, जिससे आप डिफरेंशिएट कर पाओ। आज भी शायद नहीं लाए होगे, मैं देखता हूं जब मैं राउंड लगाता हूं तो कोई ब्लैक से घिस रहा है तो ब्लैक से ही घिस रहा है, कोई ब्लू से घिस रहा है तो वो ब्लू से ही घिस रहा है। बराबर है क्या? तो ऐसे नहीं, कम से कम 2 कॉन्ट्रास्टिंग कलर के पेन लाओ ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओ कि हाँ भाई ये हेडिंग है, उसके अंदर के सब सेक्शन है। आपको खुद को पढ़ने में मजा आएगा जब आप मेरे बिना घर पे सेल्फ स्टडी करने के लिए जब मैं नोट्स को रिफर करोगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा। ये क्लियर है? मैंने आपको एक प्लेन रजिस्टर बनाने बोला था, आप वो 300 पेज का बना सकते हो। बराबर है। एक स्टैंडर्ड 300 पेज का बना सकते हो। इसके अलावा जब हम राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आप अलग से एक रजिस्टर बनाओ, जैसे आपकी इंस्टीट्यूट की जो आपको आंसर शीट मिलती है ना वैसी मार्जिन वाली लाइन वाली, ताकि आपकी वो प्रैक्टिस बने रहे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि राइट जब आप आंसर लिखते हो तो आपको ब्लैक बॉल पेन मांगा जाता है वहां पे, हाँ कि ना? तो वही ब्लैक बॉल जो पेन जो आप वहां यूज करोगे वो यहाँ यूज करना, एक पेन डिसाइड कर लो। ये छोटी छोटी बातें आपको वहां पे बहुत ज्यादा प्रभाव करेगी कि आपका उसमें हाथ, देखो पेन बदलता है तो अपनी चीजें बदल जाती है ना, स्पीड बदल जाती है, राइटिंग बदलती है, तो पेन इफेक्ट करता है। एक तो ये हो गया। नेक्स्ट आता है सर कि हम किस अप्रोच से पढ़ेंगे, क्या मटेरियल रेफर करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो एक कंसेप्ट बुक है ही। बराबर। साथ साथ में हमारे पास क्या है, पीडीएफ नोट्स भी है जबरदस्त वाले जिसपे हेलीकॉप्टर चार्ट डिटेलिंग सब है। तो दोस्तों ऐसा है, मेरे को डायरेक्ट बुक से पढ़ाने का मजा आता नहीं है, मैं हमेशा पहले कुछ ओवरव्यू कंसेप्ट समझाने के लिए पहले आपको यहीं पे राइटिंग करवा के लूंगा, जो आपको मैं समय दूंगा कि आप इसको नोट करिए। ठीक है? कभी गलती से मेरे पास समय नहीं बच रहा है, मेरे को लग रहा है आज मेरे को एक कोई कंसेप्ट कवर करना है, आज शायद मैं आपको ज्यादा लिखने का टाइम नहीं दे पाऊंगा, तो उस परिस्थिति में सेम नोट्स आपकी ड्राइव पे अपलोड होंगे, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा, 10 में से एक बार जब अपने को कोई चीजें करनी है तो सेम जो आपको ड्राइव रिसीव होगी। अब ड्राइव रिसीव कहाँ होगी, चाहे आप फेस टू फेस वाले हो चाहे आप ऑनलाइन हो, आपको एक मेल आएगा हमारी तरफ से, मेल के अंदर आपको एक ड्राइव की लिंक मिलेगी, शायद कई लोगों को आ गया होगा, आया है उस पे, नहीं आया है तो आ जाएगा उस पे, एक ड्राइव की लिंक आएगी, उसी ड्राइव के अंदर सारे लेक्चर्स सारे नोट्स आपके क्या होंगे अपलोड। कि किसी कारणवश अगर आप फेस टू फेस क्लास नहीं आ पाते हो तो आपको ड्राइव के अंदर रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएंगे, और फेस टू फेस नहीं आते हो बट सेम टाइम में लाइव करना चाहते हो तो उसी मेल के अंदर आपको एक एप्लीकेशन दिया हुआ है जिसको आप डाउनलोड करिए, रजिस्टर करिए, इंस्टॉल करिए, आपको सेम लाइव एक्सेस जो यहाँ चल रहा है फेस टू फेस वो वहां मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो वहां पे ड्राइव की लिंक रहेगी, वहां पे ही सारे लेक्चर, वहां पे ही सारे नोट्स आपको क्या होंगे अपलोड। गलती से किसी को मेल जैसे ऑनलाइन में नहीं आया है तो बाहर मत लाइएगा कि सर मेरे को नहीं आया, मेरे को नहीं आया, भी तुम शुरू ही कर, टेक इट इजी, एक बार सारी स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, सारी चीजें तो हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, तो पहले तो अपन कुछ कंसेप्ट हमेशा ओवरव्यू लेके यही कंसेप्ट समझ लेंगे, कुछ चीजें अपन क्या करेंगे हैंड रिटन नोट से हेलीकॉप्टर चार्ट से देख लेंगे, अल्टीमेटली अपने कंसेप्ट बुक के अंदर जितनी चीजें जो मॉड्यूल की कवरेज है वो पूरी क्या हो जाएगी कवर। तो हम एक कोहेरेंस मेंटेन करके चलेंगे। कोहेरेंस का मतलब आज मैंने कोई कंसेप्ट पढ़ाया तो उसको पहले लिख लिया, लिखने के बाद अगर उसका कुछ रेफरेंस है कंसेप्ट बुक में या अपने पीडीएफ उस पे तो अपन उसमें रेफरेंस दे देंगे, ये वहां से भी आप रेफर कर सकते हो, तो एक सीक्वेंस अपना मेंटेन रहेगा। बरोबर है क्या एवरीबॉडी? मेरा जितना विश्वास है, कंसेप्ट बुक हम पहले भी दिए थे, हम हैंड रिटन बनवाते भी हैं और पीडीएफ भी दिए हुए, बच्चा अंत में जो कंफर्टेबल रहता है ना उसको पता नहीं ऐसा हैंड रिटन नोट से क्या प्यार हो जाता है मेरे को नहीं पता, तो अंत में उसका रहता है अरे सर आप तो ये सर बेयर एक्ट से पढ़ाओ और हैंड रिटन से पढ़ाओ, लिटरली वो बोलता है ऐसे, सीधा बेयर एक्ट का दिखाओ पहले और फिर हैंड रिटन से कराओ, हमको वही कंफर्ट हो रहा है। तो जैसा जैसा अपना कंफर्ट बैठते जाएगा वैसे वैसे अपन चीजें को करते जाएंगे, बट मेरा विश्वास बड़ा स्ट्रांग है
एक बार जब आप कंसेप्ट गो थ्रू करेंगे तो जो हैंड रिटन नोट्स है वो पूरा कंप्लीट है अपने आप में, उसमें कंसेप्ट बुक की भी सारी चीजें क्लियर है, मैं यहाँ पे जो लिखवाऊंगा वो भी कंसेप्ट क्लियर है, तो अंत में शायद आपको वही अच्छा लगे कि सर मैं इससे ही पढ़ लेता हूँ। किसी भी जगह से पढ़ो, कंटेंट क्या रहेगा एक ही, कंसेप्ट क्या रहेगा एक ही। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? हेलो। तो हम कोहरेंस मेंटेन करके चलेंगे कि भाई जैसे जैसे करते जाएंगे, जहां जहां रेफर करना रहेगा कि ये कंसेप्ट बुक में देखो, ये आप क्वेश्चन बैंक में अलग क्वेश्चन करो, तो जैसे जैसे हम करते जाएंगे और रेफरेंस हमारा मेंटेन होते जाएगा। क्लैरिटी है दोस्तों? आर यू विथ मी? आर यू श्योर? ऐसे धीरे धीरे और भी सवाल जैसे उठते रहेंगे आपके बीच में, हम धीरे धीरे उसको भी क्लियर करते जाएंगे। एक एनर्जी मैच होने में एटलीस्ट 10 दिन लगता है, एक अंडरस्टैंडिंग बैठ जाएगी, तो कुछ चीजें मैं नहीं भी बोलूंगा तो भी आप समझने लग जाओगे। ठीक है, होता है ना ऐसे, आंखों से देख के समझ जाते हैं अपन इंसान के मन में क्या चल रहा है करके। हुआ तुम्हारे लाइफ में ऐसे कभी? हाँ वो भाई बोल रहे, हुआ ना, कई बार हुआ। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट लॉ, जो आपके सिलेबस का पार्ट है। कॉर्पोरेट लॉ हम क्यों पढ़ रहे हैं, आपके सिलेबस के अंदर कॉर्पोरेट लॉ को क्यों डाला गया, पहले ये समझिएगा। जो आप कोर्स कर रहे हैं, जिसपे आपका इंस्टीट्यूट का जो कोर्स का डिजाइनिंग है, ये बड़ा क्लियर है कि भाई वो आपको बनाना चाहता है एक्सपर्ट किस पे, टैक्सेशन में, फाइनेंस में, अकाउंटिंग में। तो सीए इज ऑल अबाउट एक्सपर्टाइज इन दिस फाइनेंस वाला, बराबर है, जिसमें आप पाएंगे कि अगर आप किसी कंपनी में हैं, उसकी टैक्सेशन प्लानिंग आप कर रहे हैं, तो अगर किसी कंपनी की टैक्सेशन प्लानिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उस कंपनी के ऊपर कुछ लॉज जो एप्लीकेबल है वो आपको पता होने चाहिए, बराबर है। इसीलिए कॉर्पोरेट लॉ को आपके सिलेबस में क्या किया, दिया, फाउंडेशन में थोड़ा सा दिया ताकि बेस बन जाए, फिर इंटर में आए तो थोड़ा सा और दिया, अगर आप देखोगे तो फाइनल में आपके सिलेबस से लॉ को साफ कर दिया गया, बरोबर है क्या? थोड़े इससे इंटेंशन समझ के लो कि भाई इंस्टीट्यूट चाहता है जितना आपको लॉ मुझे सिखाना था ना कॉर्पोरेट में काम करने के लिए, उतना मैं इंटर लेवल तक सिखा देता हूँ। फाइनल लेवल पर जब आप जाते हो तो युद्ध स्तर पर आप सीखो डीटी, आईडीटी, बराबर, और बाकी जो संबंधित सब्जेक्ट है जिसपे आप एक्सपर्ट हो, क्लियर है। कॉर्पोरेट लॉ उसको जितना सिखाना है, बोले मैं इंटर लेवल पे आपको क्या करता हूँ, सिखा देता हूँ, बराबर है क्या? क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि जब आप किसी भी कंपनी की प्लानिंग या ऑडिटिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट लॉ के सेक्शंस वहां पे टकराएंगे, जिसका नॉलेज आपको होना चाहिए, इसलिए इंटर लेवल तक उनने कॉर्पोरेट लॉ को डाला है। ये हो गई सब्जेक्ट क्यों डाला है और फाइनल से क्यों हटाया, इंटर तक क्यों रखा हुआ है, इसकी बात। अब जब आगे बढ़ते हैं कि सर जैसे हमने कल रेरा पढ़ा, पॉक्सो एक्ट पढ़ा, इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ा, तो हर के पीछे क्या था सर, एक पर्पस था। हर के पीछे क्या था, एक पर्पस था कि सर अगर बात करें कंपटीशन एक्ट 2002, तो वो किसको मेंटेन कर रहा है, कंपटीशन को। रियल स्टेट रेगुलेशन एक्ट किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, कंज्यूमर को। इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेफ्टी, बराबर है। पॉक्सो एक्ट किसको प्रोवाइड कर रहा है, सेफ्टी, बालिक लोगों को, बराबर है। ऐसे हर एक्ट के पीछे अपना क्या था, पर्पस। उसी प्रकार से आपके सिलेबस में जो कॉर्पोरेट लॉ है, इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस एक लाइन में बोलेंगे सारे के सारे। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ सारी चीजें दिखाऊंगा कि इसका पर्पस क्या है। बोलेंगे एक लाइन में, सेफली अगर बोलू, मोटा मोटा आपको बताऊं आज के दिन में एक लाइन में कि कॉर्पोरेट लॉ का पर्पस क्या है। सो द पर्पस ऑफ कॉर्पोरेट लॉ इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स, एवरीबडी, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स, बराबर है। व्हेन आई से स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स के अंदर आता है शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर के अंदर आता है क्रेडिटर, स्टेक होल्डर के अंदर आता है बैंक, स्टेक होल्डर के अंदर आता है आपका रॉ मटेरियल सप्लायर, जिसने आपको उधार में शायद माल सप्लाई किया है और शायद अभी उसको पैसे आपने दिए नहीं है। स्टेक होल्डर एक बहुत बड़ा टर्म है। शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर में फर्क है। शेयर होल्डर का मतलब जिस व्यक्ति ने आपकी कंपनी में पैसे लगाए हैं, जिसको प्यार से मेंबर भी बोला जाता है, इन्वेस्टर भी बोला जाता है, एवरीबॉडी। बट वेन आई यूज द वर्ड स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स में क्रेडिटर भी आ गया, बैंक भी आ गया, शेयर होल्डर भी आ गया, रॉ मटेरियल सप्लायर भी आ गया, इनके इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। किसको प्रोटेक्ट करना है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को लिटरल हिंदी शब्द में बोलू तो इनके स्वार्थ को प्रोटेक्ट करना है। किसको, स्वार्थ। इनका कुछ ना कुछ स्वार्थ तो लगा है ना कंपनी में, शेयर होल्डर का पैसा लगा है, क्रेडिटर और बैंक ने आपको उधार दिया है, रॉ मटेरियल सप्लायर ने आपको रॉ मटेरियल उधार पे दिया है, तो इनके स्वार्थ को सेफ रखना है। अब वो कैसे सेफ रखेगा, आई विल टेल यू। बट ये एक लाइन का पर्पस समझ में आ,
प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स. अभी मैं सिलेबस शुरू किया, वी आर जस्ट टेकिंग एन ओवरव्यू कि ये चैप्टर, ये सब्जेक्ट अपन क्यों पढ़ रहे, सब्जेक्ट क्या करता है. गर्मी हो रही है भाई, एसी का टेम्परेचर डाउन कर वरना फटाफट आ बेटा. अगर तुझे नहीं आता है तो उनको बुला के ला, अगर आता है तो एसी का टेम्परेचर डाउन कर. तो एवरीबॉडी क्या तुम मेरे साथ हो, वो कर लेगा टेम्परेचर डाउन, आता है ना तुझे. हाँ चलिए, यहां तक की हुई चीजें दोस्तों. हेलो हेलो, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स. अब राजा देखो ऐसा है, बढ़ते हैं आगे कि कैसे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है. पूरे के पूरे आपके कंपनीज एक्ट यानी कि कॉर्पोरेट लॉ के अंदर आपको कितने चैप्टर्स दिए, मैंने बताया था स्टार्टिंग में 11 चैप्टर्स. एक 12 और है एलएलपी करके, एलएलपी को भी कॉर्पोरेट लॉ का पार्ट माना जा रहा है, बट एग्जैक्टली कॉर्पोरेट लॉ कंपनीज एक्ट 2013 से आपको कितने चैप्टर है, 11 बराबर. इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरे के पूरे 11 चैप्टर्स के अंदर हर कंपनी को कुछ ऑब्लिगेशंस दिए हैं कि तुमको ये करना है, तुमको वो करना है, तुमको ये करना है, तुमको वो करना है. ये ऑब्लिगेशन क्रिएट करके कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी और स्टेक होल्डर के बीच में ट्रांसपेरेंसी क्रिएट कर रहा है. एवरीबॉडी, ऑब्लिगेशन क्रिएट करके कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी और स्टेक होल्डर्स के बीच में क्या क्रिएट कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी. हाउ, आई विल टेल यू. शुरू करते हैं. सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर हमारा ये पर्पस है कि भाई हम कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ रहे हैं जिसको हम प्यार से कॉर्पोरेट लॉ बोलते हैं, हमारे सिलेबस में पर्पस क्या है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ और स्टेक होल्डर्स के अंदर आ रहा है शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर यानी कि आम तौर पर किसका पैसा, पब्लिक का. क्रेडिटर्स भी आ रहे हैं, बैंक्स भी आ रहे हैं, और कौन आ रहा है, सप्लायर. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि भाई कैसे प्रोटेक्ट करता है, कैसे ये प्रोटेक्ट करता है. तो कहता है लीगल ऑब्लिगेशन पुट ऑन करता है किसके ऊपर, कंपनीज के ऊपर, और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करवा देता है कंपनी और स्टेक होल्डर के बीच में. कैसे, ये समझने वाली बात है. तो एग्जांपल के लिए मैं आपको लेके जाना चाहता हूं चैप्टर नंबर 6 ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस. चैप्टर नंबर 6 जो है ये आपके कंपनीज एक्ट 2013 का चैप्टर नंबर 6 है, जो आपके सिलेबस में भी क्या है, चैप्टर नंबर 6. उसका एक उदाहरण ले रहा हूं कि कैसे कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन लगा के ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करता है. लेट्स हैव एन एग्जांपल. क्या तुम मेरे साथ हो एवरीबॉडी. तो देखो राजा ऐसा है, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस का पहले बात पर मतलब क्या होता है ये समझना. सपोज करिए मैं जहां जहां मार्क करते जाऊंगा आप वहां वहां क्या करते जाएंगे, देखते जाएंगे. क्या तुम मेरे साथ हो एवरीबॉडी. तो दोस्तों देखो मैं जहां मार्क कर रहा हूं वहीं देखना. एसीटी लिमिटेड दिख रहा है आपको, आपके भाई की कंपनी है. एसीटी लिमिटेड ने एप्लीकेशन किया है एचडीएफसी बैंक को कि मुझे लोन दे दो 50 लाख रुपए का, बराबर. किसको एप्लीकेशन किया है, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को. साथ में देखो प्लस में क्या लिखा है, एक सिक्योरिटी दे रहा है, लैंड दे रहा है कितने की, 70 लाख. लैंड दे रहा है का मतलब लैंड को गिरवी रख रहा है, मॉर्गेज कर रहा है. इसको हम क्या बोल रहे हैं, सिक्योरिटी. तो क्या मैं इसको एक शब्द यूज कर सकता हूं, क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन लैंड. चार्ज का मतलब आपने उसमें सिक्योरिटी क्रिएट किया है. वेरी सिंपल वर्ड, चार्ज का मतलब क्या हो गया, सिक्योरिटी. तो आपने चार्ज किसके फेवर पे क्रिएट किया, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, कि भाई 50 लाख का मैं तेरे से लोन ले रहा हूं, नहीं पैसा पे करूंगा तो ये लैंड गिरवी रख ले 70 लाख रुपए की, कल बेच के मेरे से पैसे ले ले ना. एवरीबॉडी, इतना करते ही क्या बोल रहा हूं, इतना चैप्टर नंबर 6 जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस वो एक्टिव हो जाएगा. क्या हो जाएगा वो, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस का एक सेक्शन नंबर 77 है. कहता है कंपनी रुक सुन सिक्योरिटी क्रिएट की है, हाँ चार्ज क्रिएट, हाँ कितने का लोन लिए, 50 लाख, कितने का सिक्योरिटी, 70. आरओसी के पास रजिस्टर करा इसको, किसके पास, आरओसी के पास रजिस्टर करा. बोले कैसे, बोले आरओसी को जाके बता ये देखिए लोन एग्रीमेंट है, 50 लाख का क्या लिया है लोन, 70 लाख रुपए की लैंड को क्या रखा है, गिरवी. अच्छा ऐसा करना है. तो 77 क्या मैं कह रहा हूं ऑब्लिगेशन लगा रहा है एसीटी के ऊपर, सेक्शन नंबर 77 यही बोला ना, क्रिएट किया चार्ज, क्या किया चार्ज क्रिएट, रजिस्टर करा आरओसी के पास, जाके उसको बता कि तूने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड से 50 लाख का लोन लिया, 70 लाख रुपए की लैंड को क्या क्रिएट किया है, सिक्योरिटी में, जाके बता उसको. एसीटी लिमिटेड 77 की बात मानता नहीं तो पेनल्टी लगेगी, अरे हाँ कि ना. और एसीटी लिमिटेड क्रिएशन ऑफ चार्ज के बाद इसी चार्ज को क्या करवाता है, रजिस्ट्रेशन किसको, आरओसी. अब आरओसी ये सेम बात को कि एसीटी लिमिटेड ने 50 लाख का लोन लिया,
70 लाख रुपए का मॉर्गेज किया, ये पब्लिक डोमेन में डाल देगा। कहाँ डाल देगा? पब्लिक डोमेन यानी कि www.mca.gov.in किसकी वेबसाइट है? सेंट्रल गवर्नमेंट। यही आरओसी की भी वेबसाइट है, ऑनलाइन ही सारे आजकल आपको फाइनल करने हैं। अरे हाँ कि ना, आरओसी ने ये करवा दिया, मेक्स अवेलेबल द डिटेल्स ऑफ चार्जेस इन पब्लिक डोमेन दैट इज www.mca.gov.in। सर क्या फर्क पड़ गया सर इससे? इससे कौन सी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो गई? यहां तक की कहानी समझी? अब कहानी नंबर दूसरी। ये कहानी का पहला हिस्सा था, दूसरा हिस्सा। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि एसीटी लिमिटेड, एवरीबॉडी, अगर एसीटी लिमिटेड वापस से अब एसबीआई को अप्लाई कर रहा है, बोले एसबीआई, बोले हाँ बोलना, बोले 25 लाख रुपए का लोन चाहिए, एसबीआई बोले सिक्योरिटी में क्या, बोल गई 70 लाख की लैंड, समझ पा रहे हो? वही 70 लाख रुपए की कौन सी लैंड, जिसपे ऑलरेडी चार्ज क्रिएट हो गए, किसके फेवर में? HDFC बैंक लिमिटेड के फेवर में। कहते वही, अब ये बात एसबीआई को पता नहीं, उस पर ऑलरेडी चार्ज क्रिएट हुआ हुआ है, बट एसबीआई जाएगा www.mca.gov.in में कि भाई तेरा ऑलरेडी कौन सा चार्ज क्रिएट हुआ हुआ है और कितने अमाउंट का है, वो जाके क्या करेगा? चेकेगा। चेकने से उसको पता चल जाएगा, अच्छा ये 70 लाख रुपए वाली लैंड में तो ऑलरेडी चार्ज क्रिएट है, किसके फेवर में? HDFC। वो तुरंत क्रॉस क्वेश्चन, कैसे भैया? इससे प्रभाव ये पड़ा कि सेक्शन 77 ने जो ऑब्लिगेशन कंपनी के ऊपर लगाया और वो ऑब्लिगेशन कंपनी ने किया, वैसे ही ट्रांसपेरेंसी आ गई। अब जिससे भी कंपनी दोबारा डील करने जा रही है, वो पहले अपने आप को वेलवर्स कर लेगा उस वेबसाइट में जाके कि क्या है, क्योंकि पब्लिक डोमेन में चले गई चीज। NROC का वेबसाइट यानी कि MCA का वेबसाइट इज अ पब्लिक डोमेन, आप कोई भी डॉक्यूमेंट एक्सेस कर सकते हो। अब इससे होगा क्या? बिफोर एंटरिंग इन टू कॉन्ट्रैक्ट SBI विल इंस्पेक्ट इन MCA वेबसाइट वेयर SBI विल गेट नॉलेज अबाउट क्रिएशन ऑफ चार्ज इन लैंड इन फेवर ऑफ HDFC बैंक। कॉर्पोरेट फ्रॉड अटेम्प्ट प्रिवेंटेड बाय सेक्शन नंबर 77। यहाँ पे जो ACT लिमिटेड ने क्या अटेम्प्ट किया था? फ्रॉड अटेम्प्ट। ये फ्रॉड अटेम्प्ट क्या हो गया? क्यों? क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 77 ने ट्रांसपेरेंट कर दी थी चीज। पैसा बच गया स्टेक होल्डर का, शायद डूबने की नौबत आ जाती, शायद, और तो बाद में पता चलता क्या होगा, क्या ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो रही है? ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है जिसके माध्यम से स्टेक होल्डर के पैसे को क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट। कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजन को कंप्लाई करते हुए, पर्पस समझ में आ रहा है? किसका इंटरेस्ट आपने प्रोटेक्ट किया अभी? क्रेडिटर का, बैंक का, या स्टेक होल्डर्स का? एवरीबॉडी लेट अस टेक अ डिफरेंट एग्जांपल, थोड़ा सा और, कि कैसे अपन सेफगार्ड करेंगे। मैं जाता हूं चैप्टर नंबर 5 में। किधर जाता हूं? चैप्टर नंबर पांच किसका राजा? कंपनीज एक्ट 2013 का। क्या तुम मेरे साथ हो? कंपनीज एक्ट 2013 का चैप्टर नंबर 5 कहता है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनीज। लो, बैंक में डिपॉजिट करते हो पैसे, बैंक आपको क्या देता है? इंटरेस्ट। अगर कोई बैंक वाली कंपनी नहीं भी है, ACT लिमिटेड है, कौन सी है? ACT। मैं पब्लिक से भी कुछ रुपए चाहता हूँ डिपॉजिट, मैं मेंबर से भी कुछ चाहता हूँ कि यार मुझे दे दो, जैसे बैंक तुमको इंटरेस्ट देती ना, मैं भी तुमको इंटरेस्ट दूंगा। तो ACT लिमिटेड अपने मेंबर को भी बोल सकती है, यार कुछ पैसे की जरूरत है दे दो, मैं तुमको इंटरेस्ट दूंगा। पब्लिक के पास भी जा सकती है। अब बात यह है भाई साहब, आप पब्लिक से डिपॉजिट तो ले लोगे, अरे हाँ, जैसे आप बैंक से ले रहे थे, अभी आप मेंबर से ले रहे हो, पब्लिक से ले रहे हो, क्या तुम मेरे साथ हो? हेलो। सेक्शन नंबर 73 आता है इसके अंदर, वो ऑब्लिगेशन लगाता है कंपनी के ऊपर। बोले डिपॉजिट ले लेवा तुमने, हाँ। बोले डिपॉजिट लेने के पहले, क्या बोल रहा हूँ, डिपॉजिट लेने के आपको कुछ बातें पूरी करनी पड़ेगी। बोले क्या बातें पूरी करनी? बोले बातें कुछ इस प्रकार की है कि किससे भी डिपॉजिट लो, पहले एक सर्कुलर इशू करो। क्या इशू करो? सर्कुलर इशू करने का मतलब ये है, उस सर्कुलर पे डिपॉजिट लेने से पहले बताओ कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी कितना मुनाफा कमा रही है और कंपनी को पिछले साल कितना नुकसान हुआ, इस साल क्या है, कंपनी की क्रेडिट रेटिंग क्या है, कंपनी की नहीं क्रेडिट रेटिंग क्या है। बोले सर क्रेडिट रेटिंग कौन देता है? मार्केट में बहुत सारी एजेंसीज है जो क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करती है। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, क्रिसल, इकरा, ब्रिकवर्क, ऐसे करके एजेंसी है जो कंपनी की क्रेडिट रेटिंग देती है। अभी मैं सिलेबस शुरू किया,
अभी हम क्या ले रहे हैं, ओवरव्यू कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। वो क्रेडिट रेटिंग आपको इस प्रकार की मिलती है, दिख रही है। अगर ट्रिपल ए मिली तो बोले हाईएस्ट सेफ्टी है, लगा दो पैसे। डबल ए मिली तो हाई सेफ्टी है, ए मिली तो एडुकेट सेफ्टी है। इसके नीचे मत जाना कभी भी किसी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग अगर बुरी रही तो। ए तक एडुकेट सेफ्टी तक चलता है, इसके बाद आपको उस कंपनी में पैसे लगाने का सोचना। ए के नीचे जहां पे किसी कंपनी को क्रेडिट रेटिंग मिलती है, मान लो मिल गई ट्रिपल बी, क्या मिल गई ट्रिपल बी, वो आपको कंपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा ऑफर करेगी क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में है नहीं, तो कैसे पब्लिक को बुलाए। तो ट्रिपल बी मिला तो मॉडरेट सेफ्टी है, डबल बी मिला इनएडुकेट सेफ्टी है, बी मिला भयंकर रिस्क है, सी मिला सारे बहुत ज्यादा, डी तो भाई भूल जा भाई, बैड डेट हो गया एवरीबॉडी। तो ये क्रेडिट रेटिंग मैंडेटरी तुमको डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के पहले सर्कुलर में डालनी पड़ेगी। ये कौन बोल रहा है, ये कंपनी अपने से नहीं कर रही है, सेक्शन 73 बोल रहा है डिपॉजिट लेना पहले ये बता सबको क्या है। अरे हाँ, दूसरा टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर कंपनी में कितने हैं अभी, तो ले तो रही है सबसे, और सिक्योर दे रही है कि अनसिक्योर्ड डिपॉजिट दे रही है, यानी कि कुछ सिक्योरिटी देगी। कल को तू पैसे वापस नहीं करी तो तेरे कुछ एसेट बेच सकेंगे क्या वो लोग, सिक्योर्ड डिपॉजिट है कि अनसिक्योर्ड। लास्ट में जो डिपॉजिटर ऑलरेडी तेरी कंपनी में है उससे अमाउंट ड्यू कितना है, ये सारी बातें तेरे को सर्कुलर के माध्यम से मेंबर और पब्लिक को पहले बतानी पड़ेगी डिपॉजिट लेने के पहले। तुमको नहीं लगता ये देख के तुम समझदारी का डिसीजन ले पाओगे, हाँ नंबर्स है, क्रेडिट रेटिंग है, अच्छा ज्यादा अमाउंट ड्यू नहीं है, ठीक ठाक सही है, कंपनी का रेटिंग ठीक है, लगा देता। दिस सेक्शन 73 इज क्रिएटिंग अ ट्रांसपेरेंसी बिटवीन कंपनी एंड मेंबर एंड पब्लिक सो दैट दे कैन मेक अ रैशनल डिसीजन बिफोर दे कैन इन्वेस्ट इन एनी कंपनी। हेलो, क्लियर हो जाओ पहले, जो जहां पैसा लगा रहे हो सेफ है क्या, पहले ही हट जाओ। ट्रांसपेरेंसी हो रही है, इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है 73 का, इट विल क्रिएट अ ट्रांसपेरेंसी बिटवीन कंपनी एंड मेंबर स्लैश पब्लिक, दिस विल इनेबल मेंबर और पब्लिक टू हैव टू टेक रैशनल डिसीजन बिफोर मेकिंग एनी डिपॉजिट। संभल जा भाई, क्या कर जा, संभल जा। पर्पस क्लियर हो रहा है, कैसे स्वार्थ प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ट्रांसपेरेंसी कैसे क्रिएट हो रही है, कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन लगाया जा रहा है और कंपनी ऑब्लिगेशन पूरा करते ही ट्रांसपेरेंसी क्रिएट कर दे रही है कि भाई देख ली हमारी औकात है, लगाना है लगा, नहीं तो मत लगा। एटलीस्ट बाद में ये बोलने को ना रहे स्टेक होल्डर्स को, जब वो कानूनी कार्रवाई करेगी तो हमको तो पता नहीं था, कंपनी से बोलेगा भाई हमने बराबर पता लगवाने की कोशिश की थी, ये सारे सर्कुलर पहले ही तुमको इशू किए गए थे। अरे हाँ कि ना, बड़े जीवन में आगे लास्ट एग्जांपल देता हूं। अभी हमने प्रोटेक्ट कर लिया किसको, शेयर होल्डर को भी एक प्रकार से प्रोटेक्ट कर लिया कि वो डिपॉजिट देने से बचे या लगाएं कि नहीं, बैंक क्रेडिटर को प्रोटेक्ट कर लिया। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं जिससे आपको पूरे इस सब्जेक्ट का ओवरव्यू मिलेगा कि कैसे कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है। तीसरा, पिक्सल कैमरा लिमिटेड है, दिख रहा है आपको, पिक्सल कैमरा लिमिटेड ने प्रोस्पेक्टस इशू किया पब्लिक में। अभी जिसको प्रोस्पेक्टस नहीं पता है, जस्ट इन केस चैप्टर 3 में तो ये बहुत डिटेल में आएगा, तो प्रोस्पेक्टस का मतलब कंपनी के बारे से ब्रीफ डिटेल्स, जिससे कंपनी आपको इनवाइट करती, भाई पैसा लगा, एक नंबर कंपनी मेरी, एक नंबर कंपनी, आ जाओ पैसा लगा। देख प्रोस्पेक्टस के अंदर देख प्रॉफिट भी है, देख डायरेक्टर कितना नामी आदमी है, देख हमारा बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है, हम पिछले 3 साल से डिविडेंड दे रहे, लगा लगा पैसे लगा। ऐसे प्रोस्पेक्टस में रोजी पिक्चर दिखाई जाती किसकी, कंपनी की, कि आ मेरी कंपनी में क्या कर पैसा लगा, क्या तुम मेरे साथ हो एवरीबॉडी। तो अगर पिक्सल कैमरा लिमिटेड ने क्या इशू किया है, प्रोस्पेक्टस किसको, पब्लिक को, और पब्लिक को ये बताया कि हमारा ऑब्जेक्ट, क्योंकि क्या लिखा है पिक्सल कैमरा, हम सीसीटीवी कैमरा क्या करने वाले हैं मैन्युफैक्चर, जिसके लिए हमको कितने रुपए की जरूरत है, 10 लाख, आइए पैसे लगाइए, अच्छा मुनाफा कमा के देंगे। ऐसा कौन कह रही है, पिक्सल कैमरा लिमिटेड पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू करके। राजा ऐसा है, इनने पैसे उठा लिए 10 लाख, मुझे सुनो फिर मैं बाद में पढ़ाऊंगा, इनने पैसे उठा लिए 10 लाख रुपए किस ऑब्जेक्ट के नाम से, सीसीटीवी कैमरा मैन्युफैक्चर के। पैसे उठाने के बाद इनको एक फैक्ट पता चला कि चाइना वाला सीसीटीवी कैमरा एकदम चीप रेट में डंप कर रहा है इंडिया में, हम जो 5000 में सीसीटीवी कैमरा मैन्युफैक्चर करके बेच रहे हैं वो 2000 में बेच देता है मार्केट में, मैच ही नहीं कर पाएंगे।
और चाइना का माल है तो चलता है, तो चांद तक चलता है, नहीं तो रात तक, बराबर है। तो इस परिस्थिति को देखते हुए वो सोच रहे कि भाई ये 10 लाख रुपए लगाएंगे ना तो डूब जाएगा, क्योंकि जब मार्केट में ऑलरेडी सस्ता आइटम है, हम इस 10 लाख से 5,000 का बनाएंगे तो कोई मतलब तो नहीं है। लेट्स डाइवर्सिफाई दिस अमाउंट, अपने ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, चेंज। अभी बहुत ज्यादा ऑनलाइन का जमाना है, हम हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की सर्विस देंगे, क्या मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की। तो 10 लाख रुपए आपने जो प्रोस्पेक्टस में दिखाया था उसका ऑब्जेक्ट था सीसीटीवी कैमरा मैन्युफैक्चर करना, लेकिन अब आप किस पे डाइवर्सिफाई कर रहे हो, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में। अरे हाँ, पब्लिक ने क्या सोच के पैसा लगाया था, सीसीटीवी, दिखाया कुछ और लगा कहीं और रहे हो, नहीं चलेगा। यहां पे अब पिक्चर में आ जाता है सेक्शन नंबर 13, ये कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन लगाता है कि भाई 75% शेयर होल्डर की कंसेंट, कितने परसेंट की, 75%, यानी कि 10 लाख में उतने शेयर होल्डर की कंसेंट ले जितने शेयर होल्डर का मिला के 7,50,000 रुपए होता, कि भाई देख ये कारण है भाई, अब भाई देख तेरा पैसा डूब जाएगा इसलिए कहीं और लगाना चाह रहे हैं। तो वो 10 लाख रुपए जितने लोग मिलके लगाए हैं उसमें से 7,50,000 जिनका लगा है वो मिलके अगर बोलते हैं कि ठीक है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कर ले तो कर ले, नहीं तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी किसको, डिसेंटिंग शेयर होल्डर को, चल भाई अपना पैसा ले आज। 75 की मान लो आ गई, 7,50,000 वाले बोल दिए, बाकी 25 है निकलो, बच गए वो भी। अच्छा, जिनको सहमति देनी थी वो सहमति दे दी कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, जिसको असहमति थी पैसा लो और निकलो, स्वार्थ बच गया कि भाई मेरे को तो बताया था कि सीसीटीवी में लगाऊंगा, अभी तो लगा रहा है किसमें, मोबाइल ऐप, मेरे को उसमें पैसा नहीं लगाना, मेरे को प्रॉफिटेबल लगता, दुनिया की 50 कंपनी मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, तू ऐसा कौन सा लग बना देगा, पैसे वापस कर, ले जा भाई पैसे वापस। अच्छा, ये ऑब्लिगेशन सेक्शन 13 ही लगा रहा है कि भाई पहले कंसेंट ले, जो कंसेंट नहीं दे रहा पैसे क्या कर वापस। क्या शेयर होल्डर का स्वार्थ प्रोटेक्ट हो रहा है? हर सेक्शन में आपको ऐसे, हर सेक्शन में आपको शेयर होल्डर का स्वार्थ प्रोटेक्ट होते ही दिखेगा, कंपनी का लीगल ऑब्लिगेशन विच इज प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर, हर जगह कंपनी के लीगल ऑब्लिगेशन, जिससे या तो ट्रांसपेरेंसी होगी या तो स्टेक होल्डर का स्वार्थ क्या होगा, प्रोटेक्ट। सो द सोल मोटा मोटा पर्पस ऑफ कॉर्पोरेट लॉ is to protect the interest of stakeholders in different situations by making different provisions. Everybody, in different situations by making difference. अभी तीन सिचुएशन पढ़ लिए, तीनों में प्रोटेक्ट कर रहा था, ऐसे अनेक सिचुएशन आएंगे जहां पे हर जगह आपको देखेगा हाँ पैसा बच रहा है, इसका स्वार्थ प्रोटेक्ट हो रहा है। फ्लेवर आ रहा है क्या? फ्लेवर आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहनों? अरे आ रहा है, आर यू श्योर एवरीबॉडी? अब अपन मूव ऑन कर रहे हैं किस पे, अपने चैप्टर नंबर 1 पे। एवरीबॉडी, क्या तुम मेरे साथ हो, क्या नोट करना चाहते हो क्या ये पर्पस को? हाँ बोल रहे हो, ना बोल रहे हो, कौन कौन नोट नहीं करना चाहता है? ठीक है आओ, वैसे शुरू कर लेते हैं पहले, मैं लास्ट में फिर आपको पूरा नोट करने का मौका दूंगा। यहां तक की चीजें क्लियर है दोस्तों? आर यू श्योर, आर यू श्योर 100%? सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉर्पोरेट लॉ? इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर, क्लैरिटी है। अब अपन शुरू कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 1। इस पे वैसे तो पूरे के पूरे कंपनीज एक्ट 2013 में 29 चैप्टर है, कितने चैप्टर है 29, आपको कितने पढ़ने हैं 11, कितने पढ़ने हैं? ऑल्दो एलएलपी भी आपका कॉर्पोरेट लॉ के ही अंदर है, बट एक्चुअली वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर नहीं, वो एक सेपरेट है, आपको कॉर्पोरेट लॉ के अंदर डाल के दे दिया है। अब आपके 11 चैप्टर्स में से हम पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 1, प्रीलिमिनरी। क्या तुम मेरे साथ हो एवरीबॉडी? आर यू श्योर? सिलेबस शुरू हो रहा है यहां से, अभी तक तो क्या था, ओवरव्यू। क्या तुम मेरे साथ हो? चैप्टर नंबर 1 कौन सा चल रहा है? प्रीलिमिनरी। मात्र 2 सेक्शन मिलेंगे आपको इसके अंदर, कितने? 2। हम सीक्वेंस से ही चलने वाले हैं, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, पर पूरा सीक्वेंस से चलने वाले, कोई भी रैंडम अपना चलने वाला। तो चैप्टर नंबर 1 में कितने सेक्शन मिलने वाले हैं? 2, सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2।
सेक्शन नंबर वन आपको चार बातें बताएगा, कितनी बातें, चार बातें, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट, एप्लीकेशन। सर किसका शॉर्ट टाइटल, किसका एक्सटेंड, किसका कमेंसमेंट और किसका एप्लीकेशन? कंपनीज एक्ट 2013 का, क्या तुम मेरे साथ हो? जो कानून तुम पढ़ रहे हो उसका शॉर्ट टाइटल, उसका एक्सटेंड, उसका कमेंसमेंट और उसका एप्लीकेशन। सेक्शन नंबर टू, सेक्शन नंबर डेफिनेशनल क्लॉज, बोलेंगे क्या? डेफिनेशनल क्लॉज। सर ये सेक्शन नंबर टू जिसका नाम आपने बोला अभी डेफिनेशनल क्लॉज, इसको प्यार से इंटरप्रिटेशन क्लॉज भी बोलते हैं। सर ये क्या करता है, आम तौर पर 100 एक्ट में 90 एक्ट में कॉमन पाओगे कि सेक्शन टू के अंदर सारे वर्ड्स की डेफिनेशन है, सारे टर्मिनोलॉजी की क्या है, डेफिनेशन। क्यों? जब आप ये 11 चैप्टर आगे मेरे से पढ़ने वाले हो, इन 11 चैप्टर्स में बार बार वर्ड यूज होगा, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, इन सारे शब्द को एक बार एक जगह सेक्शन नंबर टू पे डिफाइन कर दिए, ताकि हर जगह बार 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 जब यूज हो तो बार बार डिफाइन करने की जरूरत। सो वन प्लेस एवरी डेफिनेशन यहां पे आ गई, इसीलिए यहां पे सेक्शन नंबर टू को क्या बोल रहा है, डेफिनेशनल क्लॉज। जैसे जैसे मूव ऑन करेंगे और आपको डिटेल समझती जाएगी, तो दो ही सेक्शन मिलेंगे, पहला सेक्शन नंबर वन जो एक्ट के बारे से चार बातें बताएगा कि एक्ट को शॉर्ट टाइटल में क्या बोलते हैं, एक्सटेंड क्या है, कमेंसमेंट क्या है और इसका एप्लीकेशन। एवरीबॉडी, इसका क्या है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब किसके ऊपर लगेगा ये? अभी एसीटी लिमिटेड में मैंने सेक्शन नंबर 77 दिखाया, यानी कि कंपनीज एक्ट लग रहा होगा तो ना सेक्शन 77 लगा, तो ऐसी कौन कौन सी कंपनी में कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा? जब नाम में ही कंपनीज एक्ट 2013 है तो बात बड़ी क्लियर है, लगेगा तो कंपनी में, लेकिन कौन सी? जब नाम पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 था तो लग कॉन्ट्रैक्ट में ही रहा था, लेकिन डेफिनेशन थी। अरे हाँ, नाम पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 था तो लग पार्टनरशिप में रहा था, लेकिन डेफिनेशन थी। वैसे ही कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा किस पे, कंपनी में, लेकिन क्या है, डेफिनेशन। गर्मी हो रही है, नहीं हो रही है ना? Are you sure? हो रही है भाई? टेम्परेचर डाउन कर, कितने में किया है? तेरा दिमाग खराब हो गया, टेम्परेचर डाउन करना है। 26 का मतलब क्या हो रहा है, टेम्परेचर अप हो रहा है, 22 कर। हाँ एवरीबॉडी, ये भी 26 में, हाँ 22 वो है 22 लाखों वाला। हाँ थैंक यू सो मच। चलिए एवरीबॉडी, क्या तुम मेरे साथ हो? तो हम क्या कह रहे हैं, सबसेक्शन नंबर वन शॉर्ट टाइटल, दूसरा एक्सटेंड, तीसरा क्या, कमेंसमेंट और चौथा क्या, एप्लीकेशन। जो अब शुरू करने जा रहे हैं, कसम से भाई कहीं नहीं मिलेगा, मजा आएगा पढ़ने में, बिल्कुल ध्यान देना, तो मजे लेना जाके बाहर, ठीक है? ठीक है, सुनना बात को ध्यान से, तुमको फील हो जाएगा क्लास के तुरंत बाद, बराबर है क्या? शुरुआत करेंगे सेक्शन नंबर कहां से, वन से। वन के अंदर चार सबसेक्शन है, अपना हेलीकॉप्टर चार्ट आ गया भाई, सबसेक्शन 1, 2, 3, 4 और सेक्शन टू के अंदर मैंने क्या लिखा है, डेफिनेशनल क्लॉज। सेक्शन नंबर वन के सबसेक्शन कितने दिख रहे हैं अपने को, चार। पहला दिख रहा है शॉर्ट टाइटल, बोले इस एक्ट को तुम प्यार से क्या बुलाओगे, तो बोलता है द कंपनीज एक्ट 2013। जब भी तुम इस एक्ट का रेफरेंस दोगे, द का टी कैपिटल रखना, कंपनीज का सी कैपिटल, एक्ट का ए कैपिटल, कॉमा करके 2013। अगर तुमने एक्ट का ए छोटा लगा तो ये वाला एक्ट हो जाएगा जो मैं अभी कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, कैपिटल ए से, ये एक्ट कानून है। हेलो, हमेशा जब भी तुम एक्ट लिखोगे तो एक्ट का ए क्या रहेगा, कैपिटल, ताकि वो पता चले ये एक्ट कानून वाला एक्ट है, ये वाला एक्ट नहीं है जो हम कर रहे हैं अभी। अरे एवरीबॉडी, द नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लिखते ना एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, द का टी कैपिटल ना रहे चले, बट कंपनीज का सी कैपिटल, एक्ट का ए कैपिटल, कॉमा करके 2013, हमेशा जब भी रेफरेंस देना ऐसे ही देना, क्योंकि जब भी मैं आपको लिखवाऊंगा, जैसे हमने सेक्शन नंबर 103 की राइटिंग प्रैक्टिस कर ली थी पहले ही दिन, तो आप लिखोगे एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 103 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, तो भले द का टी छोटा रखो लेकिन कंपनीज का सी, एक्ट का ए, कॉमा करके 2013 जरूर करना, क्योंकि यही इसका शॉर्ट टाइटल है, यहीं से इसकी अहमियत है। एवरीबॉडी, सब सेक्शन नंबर टू कहता है ये एक्सटेंड करेगा टू द होल ऑफ इंडिया। राजा होल ऑफ इंडिया का मतलब क्या है,
कि चाहे तुम कंपनी छत्तीसगढ़ में बनाओ, चाहे तुम कंपनी गुजरात में बनाओ, चाहे तुम कंपनी बैंगलोर में बनाओ, चाहे कर्नाटका में बनाओ, चाहे कहीं पे भी बनाओ, कंपनी बनी ना मैं आएगा। कौन? कंपनीज एक्ट 2013। इररिस्पेक्टिव कौन से स्टेट में आप कंपनी बना रहे हो भाई, इंडिया बोलने से इंडिया। फिर तुम जम्मू एंड कश्मीर में भी क्यों ना हो, वहां भी कंपनी बना रहे हो, मैं आएगा, तेरे से लीगल ऑब्लिगेशन करवाएगा। बराबर है, मेरा दायरा बहुत बड़ा है। क्या तुम मेरे साथ हो? इसको कुछ इस प्रकार से समझना, जैसे वो कुछ लोग होते हैं ना, जैसे मैंने देखा, जैसे कोई ढोंगी बाबा जैसे आता है कोई मोहल्ले में, मैंने बहुत बार फेसबुक और इंस्टाग्राम रील देखी है, बोले यहां से निकल जाना, मेरे एरिया में दिखाई मत देना, नहीं तो गायब कर दूंगा, समझ में नहीं आएगा। बोले भाई का एरिया है क्या? बोले इस एरिया में मत दिखना, इस एरिया में राज किसका है? मेरा। दिख गए तो गायब कर दूंगा, बोले तुमको, वो भी बेचारा निकल लेता है। उसी प्रकार से कंपनीज एक्ट 2013 कह रहा है पूरा मेरा है, बना तो तू कंपनी में आ रहा हूं, कहां पे भी बना मैं आ रहा हूं, एक्सटेंड टू द होल ऑफ। ये जम्मू एंड कश्मीर में पहले भी लगता था, ये आज भी लग रहा है, कभी भी इसको जम्मू एंड कश्मीर को उसको हटाया नहीं, वो अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हटाया था, वो भी अब अपना ही छे। अरे हाँ, क्या तुम मेरे साथ हो? एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, क्या तुम मेरे साथ हो? अब व्हेन आई यूज द वर्ड एक्सटेंड, तो एक छोटा सा क्लेरिफिकेशन इसमें और देना चाहता हूं। भारत की जितनी भूमि है, भूमि मतलब अर्थ, भारत के जितना लैंड बेस है, वो बस भारत नहीं है। ये आपने पढ़ा होगा कि लैंड बेस से 200 नॉटिकल माइल समुद्र के अंदर, समुद्र में, समुद्र के ऊपर, इस सब का सब क्या है? भारत। ये है होल ऑफ। मैं कभी सोचता हूं इसका प्रभाव क्या होगा, मैं कभी सोचता हूं इसका प्रभाव, मान लो किसी कंपनी ने अपना कसीनो खोला, बराबर है क्या? कसीनो खोल के वो पानी में चला रही है कसीनो को, भारत का जो 200 नॉटिकल माइल वाला पानी है, यानी कि उस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस ही वो पानी है, वही शिप में कसीनो, वही रजिस्टर्ड ऑफिस है, मैं आ रहा हूं। अरे हाँ, मेरा एक्सटेंड वहां तक है भाई, मैं कंपनीज एक्ट 2013, मेरा दायरा 200 नॉटिकल माइल का, लैंड बेस भूल जाओ, उसके बाद 200 नॉटिकल माइलों में, तो उस पानी में भी तू कुछ कंपनी का कुछ काम धाम कर रहा है, वहां पे तेरे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, मैं आ रहा हूं, मैं उधर लगेगा, मैं उधर तेरे को लीगल ऑब्लिगेशन करवाएगा। ये मेरी हदें है। क्या है? मेरी हदें। तो एक्सटेंड में अगर बोलूं तो होल ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम लैंड बेस ऑफ इंडिया, यानी कि भाई साहब एक्सटेंड का 200 नॉटिकल माइल है, इंडिया तो है ही है इसके अंदर, उसका हदे जो है वो 200 नॉटिकल माइल तक है। क्लियर है दोस्तों? सब सेक्शन नंबर 3 बात किसकी करता है? कमेंसमेंट की। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? कल ही समझे थे इसको बेसिक की क्लास पे, कि जब भी कोई कानून बनता है इसको बोलते हैं कानून इनएक्ट हुआ, कानून का पालन जब से करना है उसको बोलते हैं कानून का कमेंसमेंट। क्या तुम मेरे साथ हो? इनेक्टमेंट का मतलब क्या होता है? कि भाई प्रेसिडेंट साहब ने उस बिल पे क्या कर दिया साइन, तो बिल क्या बन गया है? एक्ट। 29 अगस्त 2013 प्रेसिडेंट साहब के दस्तखत हो गए थे किस पे? बिल पे। वो क्या बन गया था 29 अगस्त 2013 को? कंपनीज एक्ट 2013। कमेंट्स कब हुआ था सर? क्या हुआ था? कमेंट्स। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, लॉजिक के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, सेक्शन नंबर 1 सब सेक्शन नंबर 3 जो बात किसकी कर रहा है? कमेंसमेंट की। सेक्शन नंबर 1 सब सेक्शन नंबर 3 जो बात किसकी कर रहा है? कमेंसमेंट की। इसी सेक्शन नंबर 1 सब सेक्शन नंबर 3 पे ये लिखा है कि भाई जो सेक्शन नंबर 1 है ना इस एक्ट का, वो तो तुरंत आ गया। बोले कब आया? बोले जिस दिन इसको पब्लिक में डाला ना उस दिन आ गया। बोले अच्छा उस दिन नहीं आया जिस दिन प्रेसिडेंट ने साइन किया? बोले नहीं, उस दिन सिर्फ एक्ट बना था। एक्ट में टोटल स्टार्टिंग में 470 सेक्शन थे। कितने सेक्शन थे? 400। अभी 430 या 33 ही बचे, 40 सेक्शन क्या हो गए? डिलीट। अरे हाँ कि ना? अब बोले वो पूरे सेक्शन में से 30 तारीख को जब इस एक्ट को पब्लिक में लाया गया, 29 को प्रेसिडेंट ने साइन किया, 30 को इसको कहां लाया गया? पब्लिक में। तो बोले जिस दिन पब्लिक में आया ना 30 तारीख को, उस दिन सिर्फ सेक्शन नंबर 1 आया फोर्स में। क्या आया? सेक्शन नंबर 1, सिर्फ सेक्शन नंबर 1 कमेंस हुआ उस दिन। बोले 1 में क्या लिखा था? बोले वही 1 के सब सेक्शन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। 1 आ गया था पिक्चर में, यानी कि शॉर्ट टाइटल बता दिया, एक्सटेंड बता दिया, कमेंसमेंट के अंदर ये बता दिया। ए, सुनो रे, सुनो सुनो सुनो,
सेक्शन नंबर वन बस आया है, बोले आज 30 तारीख को आया है सेक्शन नंबर वन कमेंस हुआ है, बोले बाकी के किधर गए वो 469 सेक्शन, 70 थे ना 400, बोले उस 469 सेक्शंस के लिए अलग अलग डेट बताएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, उस दिन अलग अलग सेक्शन कमेंस होगा। बता दिया आज 10 सेक्शन कमेंस, 2 से लेके 10 आज हो गया, 12 से 15 कल कर दो, 30 से 40 कल कर दो, समझ पा रहे हो? बड़ा वखरा अब तक आपने सुना होगा कि सर हर सेक्शन के लिए इनने अलग कमेंसमेंट डेट बताई, यानी कि बन चुके थे वो लॉ, वो सेक्शन बन चुके थे, लेकिन उनके पालन के लिए हर 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 डिफरेंट डेट में थोड़े 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 सेक्शन कमेंस करे। लॉजिक एवरीबॉडी, इसके पीछे लॉजिक क्या है? थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में पहले इसको समझना, फिर टेक्निकल लैंग्वेज में। भाई साहब अब तक आप चला रहे थे पिछले 10 साल से मारुति 800, जिसपे आपको चाबी मिलती थी, आप जाते थे, खट करते थे, खोलते थे, फिर गाड़ी में बैठते थे, फिर चाबी डाले, खिकी 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 करके किए, चालू हुआ। अरे हाँ, गियर लगाए, एसी का बटन है तो एसी मैनुअली आप क्या कर रहे हो, एडजस्ट। आपका जो म्यूजिक सिस्टम है वो कैसेट वाला है, आप उधर से कहो कैसेट कौन सा है, इधर गाड़ी चला रहे हैं, हाँ इधर कैसेट घुसाए, ठक चल नहीं रहा, पट पट मार रहे हैं तो चल रहा है। अरे हाँ कि ना, कोई आपको 360 डिग्री कैमरा नहीं कि अपने गाड़ी का रिवर्स गियर लगाया तो पीछे दिख रहा है कि कहाँ है, बराबर। आप ये बाहर निकल के ऐसे ऐसे करके गाड़ी मोड़ते हो, सारी चीजें मैनुअल कर रहे हो, चार ही गियर है उसके अंदर। अब अचानक से आप बैठ गए एमजी हेक्टर पे, इसमें बैठ गए, आप अंदर घुसे तो समझ में ही नहीं आ रहा, बोले विंडो कैसे डाउन कर, वो कितना है लीवर उसका गोल गोल करके घुमाने का, बटन ही बटन दिख रहे हर जगह। गाड़ी का चाबी आपको दिया तो गाड़ी की चाबी में की नहीं है, किधर से खोलू, बोले उसको पता हो कि भाई बटन दबाऊंगा खुलेगी, स्टार्ट स्टॉप के लिए भी इंजन का बटन है, फिर क्लच नहीं दिख रहा है उसको, ऑटोमेटिक गाड़ी है वो, तो बोले किधर से चलाऊं, गियर किधर से लगाऊं, तो उसको सिस्टम समझने में क्या लगेगा, वक्त, हफ्ता 10 दिन चलाने तक, तो हफ्ता 10 दिन उसको सब बेसिक समझ में आ जाएगा फंक्शनैलिटी, फिर धीरे धीरे और समझ में आएगा, अच्छा ये भी फीचर है गाड़ी में, अच्छा ये भी है। तो भाई साहब जो आप ट्रांजिट ले रहे हो मारुति 800 से सीधा एमजी हेक्टर में, यही ट्रांजिशन तो कंपनीज 1956 से लेकर सीधा तुम ले रहे हो 2013 में, समझने का मौका तो दो। अबे हाँ, तो 30 तारीख को ये बता दिया कि भाई 29 को प्रेसिडेंट सामने इसको एक्ट बना दिया है, हम धीरे धीरे बताते रहेंगे, पढ़ना शुरू करो तुम लोग। तो जितने भी प्रैक्टिशनर थे, जितने भी प्रोफेशनल, से पढ़ना शुरू कर, बोले हो गया 10 सेक्शन तक समझ लिए, बोले हाँ चलो आज से ये 10 सेक्शन लागू, समझ पा रहे हो? सपोज करिए, क्या करिए, सपोज पहले जैसे मैंने आपको ये चार्जेस वाला सेक्शन बताया कि भाई चार्ज क्रिएट किया तो कितने दिन में रजिस्टर करना है, डे बताया नहीं था, जैसे बताता हूं, सपोज 30 दिन के अंदर रजिस्टर करना है। हेलो एवरीबॉडी, मान लीजिए एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं कि पहले जब कंपनीज एक्ट 2013 था, पहले कंपनीज एक्ट 2000 कंपनीज एक्ट 1956 था, मान लो वहां पे दिया हुआ था 30 दिन 1956 पे, और नए वाले एक्ट में मान लो, वैसे नए वाले एक्ट में भी 30 है लेकिन मैं कहता हूं मान लो नए वाले एक्ट में बोल दिया 15 दिन। आप बोलोगे अभी भाई अभी तो मैंने चार्ज क्रिएट किया था, इन्हें 15 दिन कर दिया, नए वाला एक्ट मेरे पे लागू हो गया कि तैयारी नहीं हुई, कागज रेडी नहीं हुए, कहां से फाइलिंग करूंगा? बोले नहीं तू ठंड रखना, अभी नहीं कमेंट्स कर रहे वाले को, पहले पढ़ ले, तू समझ ले, तैयारी कर ले, एक दिन बताएंगे उस दिन से करेंगे, हड़बड़ा मत, पहले समझ तो ले नए वाले में लिखा क्या, पहले डाइजेस्ट कर लो, फिर धीरे धीरे बताएंगे कि कौन कौन से सेक्शन कौन कौन से दिन से क्या हो रहे हैं कमेंट्स। क्या तुम मेरे साथ हो? तो क्या मेरे प्यारे भाई और बहनों, सेक्शन नंबर वन पहले ही दिन आ गया था फोर्स पे? सेक्शन नंबर वन पहले दिन फोर्स में आके क्या बता रहा था? कहता है मैं तो आज ही आ गया हूं, कहता है मैं तो आज ही आ गया हूं, मैं कौन? बोले शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड भी बता दिया, मैं वन के तीन में आके ये भी बता रहा हूं कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन अपॉइंट करेगी कौन, सीजी, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के लिए। तो मैं आपको एक जस्ट झांकी दिखाना चाहता हूं, 12 सितंबर 2013 को इनने 98 सेक्शन को कमेंस किया, फिर 1 अप्रैल को 184, फिर 18 मई को 5, 1 जून को 37 एंड सो ऑन। ये आपको जानने की जरूरत नहीं है कौन से डेट में क्या किया, बट ये समझ पा रहे हो कि क्यों डिफरेंट डेट अपॉइंट किया है? एवरीबॉडी क्या तुम मेरे साथ हो? आर यू श्योर? तो राजा अगर मैं बोलूं तो ये इनेक्ट हो गया था 29 अगस्त 2013 को, लेकिन
डिफरेंट डेट्स अपॉइंट की गई सीजी के द्वारा फॉर डिफरेंट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, और सेक्शन वन तो सिर्फ 30 अगस्त को ही डायरेक्ट आ गया था। लॉजिक क्लियर हो रहे? आर यू श्योर एवरीबॉडी? वन भी क्लियर है, टू भी क्लियर है, थ्री भी क्लियर है? आर यू श्योर? सब सेक्शन नंबर कौन सा बचता है? एप्लीकेशन। क्या बचता है? पता तो है, लगता किसके ऊपर है? कंपनी के ऊपर, लेकिन कौन सी कंपनी, कहां दिया हुआ है? सब सेक्शन नंबर फोर। क्या तुम मेरे साथ हो? सेक्शन नंबर वन, एवरीबॉडी, सेक्शन नंबर वन, सब सेक्शन नंबर फोर, उसके अंदर ए बी सी डी ई एफ पांच क्लॉज है, छह क्लॉज है। कितने क्लॉज है? छह। कितने क्लॉज है? ए बी सी डी एफ। एवरीबॉडी, फाउंडेशन में अपन नहीं पढ़े थे ना, ऐसे भी पढ़ना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा सा क्लियर होनी चाहिए सारी चीजें। तो एप्लीकेशन किधर दी है? सेक्शन नंबर वन, सब सेक्शन नंबर फोर। किधर दिया एप्लीकेशन? सेक्शन नंबर वन, सब सेक्शन नंबर फोर, उसके अंदर छह क्लॉज है। कितने क्लॉज है? छह। क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी, क्लॉज ई, क्लॉज एफ, ऐसे छह प्रकार की कंपनी दी होगी ना। हाँ, छह प्रकार की कंपनी का नाम दिया होगा, बोले इस पे लगेगा कंपनीज एक्ट 2013। तो एप्लीकेशन के लिए अपने को ये छह क्लॉज समझने पड़ेंगे कि इन कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 लगे। अगर वो छह क्लॉज में कोई कंपनी नहीं आ रही है, वो छह क्लॉज के बाहर है, यानी कि कंपनीज एक्ट का लेना देना कोई नहीं है इससे। नहीं समझे तो मैं क्या बोल रहा हूं? कितने क्लॉज है? छह, ए बी सी डी ई एफ। क्या तुम मेरे साथ हो? ये छह क्लॉज के अंदर जो कंपनी आ रही है उनको ही कंपनीज एक्ट 2013 पकड़ रहा है, बोले इधर आ। अरे हाँ कि ना? जो ये छह क्लॉज से बाहर है, इससे कोई लेना देना नहीं कंपनीज एक्ट को। क्या तुम मेरे साथ हो? आर यू श्योर? ये लॉजिक बन रहा है तो पढ़ाना शुरू करूंगा। एवरीबॉडी, वन टू थ्री क्लियर है? सेक्शन नंबर वन, सब सेक्शन नंबर फोर, वी आर लर्निंग एप्लीकेशन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, एंड द एप्लीकेशन इज डिवाइडेड इंटू सिक्स क्लॉज, ए बी सी डी ई एफ। ये छह क्लॉज में जो कंपनियां बताई हैं, इनके ऊपर कंपनी से 2013 एप्लीकेबल होगा। यानी कि ये लोग अगर चार्ज क्रिएट करेंगे कंपनी से, रजिस्टर कर, ये लोग डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे, वे सर्कुलर इशू कर करेंगे। अरे हाँ, उसके पहले करना एप्लीकेशन समझना। आर यू श्योर एवरीबॉडी? शुरू करें। सेक्शन नंबर वन, सब सेक्शन नंबर फोर, कितने क्लॉज हैं? ए बी सी डी ई एफ। पहला वाला, ए वाला पढ़ेंगे तो क्या लिखता है? पहला एप्लीकेशन उन कंपनी के ऊपर, पहला एप्लीकेशन उन कंपनी के ऊपर जो कि इनकॉर्पोरेटेड है अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ। क्या तुम मेरे को इनकॉर्पोरेटेड का मतलब बता सकते हो? तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। रजिस्टर हो ना? बराबर, आओ पहले कुछ बेसिक समझ के लेते हैं फटाफट। लेट्स अंडरस्टैंड सम बेसिक टर्मिनोलॉजी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, एवरीबॉडी क्या पढ़ रहे हैं अपन? इनकॉर्पोरेशन ऑफ, ये आपके सेक्शन नंबर सात के अंदर कवर होता है, जब अपन चैप्टर टू पढ़ेंगे फुल डिटेल में कि कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है। सबसे पहले बस मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि इनकॉर्पोरेशन वर्ड का मतलब होता क्या है। कहता है सेक्शन नंबर सात, एक दो तीन लोग मान लो मिले, अर्जुन, करण और राहुल, इसको हम क्या बोलेंगे? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बोले ये लोग कंपनी अगर बनाना चाहते हैं तो सेक्शन सात बोलता है कि आरओसी को क्या करेंगे? एप्लीकेशन करेंगे कि हमारी कंपनी को क्या कर दे? रजिस्टर। आरओसी को ये देंगे एमओए, एओए और कुछ डॉक्यूमेंट। आरओसी इन डॉक्यूमेंट को क्या करेगा? रिटेन, और उसके बदले इनको दे देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इस बात की गवाही है कि आपकी कंपनी रजिस्टर हो गई है, आपकी कंपनी का अस्तित्व आ गया, आपकी कंपनी का हैप्पी बर्थडे टू यू हो गया उस डेट से जिस डेट का नाम इधर लिखा है इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट में। सर ये क्या होगा इस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से? अब आप इस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के दम पे, अब आप इस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के दम पे कंपनी के नाम से जमीन खरीद सकते हो, कंपनी के नाम से जमीन बेच सकते हो, कंपनी के नाम से बैंक अकाउंट खुलेगा। अरे हाँ, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट इंटर करेगी, कंपनी लोन रेस करेगी, कंपनी लोन रेस करने के साथ साथ कंपनी लोन दे सकती है। कंपनी की क्या आ जाएगी? पर्सनालिटी। क्या आ जाएगी? आपकी कंपनी जीवित हो गई है, वो आपसे अलग है। ये इस बात की गवाही देता है कौन? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई। इनकॉर्पोरेट का मतलब आरओसी ने आपकी कंपनी को
रजिस्टर करके लाइव दे दी। अरे हाँ, तो अब ये जो वर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है अब ये वर्ड, कि सबसे पहली कंपनी कौन सी है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। थोड़ा ध्यान से मेरे साथ सुनेंगे और बोलते जाएंगे, क्या तुमको लगता है ये सेक्शन 220 की बात कर रहा है? जिसको नहीं पता है, मैं जस्ट बताना चाहता हूं, जो कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ लिखा हुआ है, ये सेम डेफिनेशन कहां दिया हुआ है, सेक्शन 2 क्लॉज 20 में किसका डेफिनेशन है, कंपनी का। और ये सेम चीज सेक्शन नंबर 1 सब सेक्शन नंबर 4 के क्लॉज ए पे लिखी हुई है। बात एक ही है, कान इधर से पकड़ो चाहे कान इधर से पकड़ो, और 220 बस कंपनी की क्या दे रहा है, डेफिनेशन, और 14 बोल रहा है कि मैं इस पे लगूंगा। अरे हाँ, क्या तुम मेरे साथ हो? तो कहता है, क्या करता है, कहता है कंपनी का मतलब, कहता है कंपनी मींस अ इनकॉर्पोरेटेड, क्या बोलता है, इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। क्या तुम मेरे साथ हो दोस्तों? बड़ा प्यारा डेफिनेशन दिया था 220 में कंपनी का। अरे हाँ, कि बोले ऐसी कंपनी जो कि क्या है, इनकॉर्पोरेटेड। अभी तो मतलब समझे इनकॉर्पोरेटेड का क्या, रजिस्टर्ड है कंपनी के जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन एप्लीकेशन के आरओसी ने क्या दे दिया, COI, यानी कि कंपनी क्या हो गई है, रजिस्टर। अगर कंपनी क्या हो गई है, रजिस्टर, यानी कि कंपनी क्या हो गई है, इनकॉर्पोरेट। इस एक्ट का मतलब क्या है, इस एक्ट का मतलब एक्ट 2013, और ये आ रहा है एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ध्यान से समझना, इसको तो अपन क्या कर रहे हैं अभी, पॉस, क्या कर रहे हैं, यहां पे करते हैं अंडर दिस एक्ट का मतलब क्या। आज अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल एक सोल प्रोप्राइटर है, क्या है, सोल प्रोप्राइटर। मैं इसको अगर आज इनकॉर्पोरेट करता हूं कंपनी में, तो कौन से एक्ट पे रजिस्टर हुई कंपनी, दिस एक्ट यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन नंबर 7 के हिसाब से। क्या तुम मेरे साथ हो? यानी कि आज मैंने चार्ज क्रिएट किया तो आ जाएगा 77A, रजिस्टर करा। आज मैं डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा हूं, ए सर्कुलर इश्यू कर। आज मैं अपने कंपनी का ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा हूं, 75% लोग की कंसेंट ले। अरे हाँ, सवाल ये आता है कि सर यहां तक तो मेरे को समझ में आ गया कि जैसे ही आप इस एक्ट पे रजिस्टर किए, आप क्या कहलाओगे, कंपनी, और आपके ऊपर सारे प्रोविजन लगेंगे, आपके ऊपर सारे प्रोविजन लगेंगे। अटेंटिव हो जाओ जितने लोगों को आ रहा है, अंत में जब कंक्लूजन आएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, मेरे को बाद में डाउट मत पूछना, सच बता रहा हूं, ठीक है। लास्ट में कंक्लूजन चलने वाला है। जिसने रात को नींद नहीं ली है, सोया नहीं है, कृपा करे उठें, पानी पिए, कॉफी पिए, मुंह धो के आए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट में कंसेप्ट छूट जाएगा। अभी माहौल बन रहा है, लास्ट में क्लाइमेक्स आएगा, जब सब क्लाइमेक्स एंजॉय कर रहे होंगे तब भी आप सोते रह जाओगे, इस बात को समझो, अटेंटिव हो जाओ। मैं बार बार किसी चीज को स्लोली ग्रेजुअली जा रहा हूं, मतलब कुछ कहानी है अंत में। एवरीबॉडी, क्या तुम मेरे साथ हो? सो कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट एवरीबॉडी और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो दिस एक्ट में तो समझ में आ गया। बात आती है सर ये एनी प्रीवियस कंपनी लॉ का मतलब क्या है, तो ये प्रीवियस कंपनी लॉ का मतलब दिया सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 67 में। आपके सिलेबस का पार्ट नहीं 267, बट वहां पे क्या दिया है, प्रीवियस कंपनी। अब 2013 के पहले 1956 था, 1956 के पहले और भी बहुत सारी चीजें थी। अरे हाँ, मैं अगर आज इस एक्ट पे रजिस्टर हो रहा हूं तो मैं कंपनी कहला रहा हूं, मेरे ऊपर कंपनी से 2013 पूरा लग रहा है। अरे हाँ भाई, बात यह है कि इसके अलावा जो बाकी कंपनी है, जो टाटा हो गई, रिलायंस हो गई, इंफोसिस हो गई, वो तो 2013 वाले एक्ट पे रजिस्टर नहीं हुई है, वो तो प्रीवियस में, वो तो फिर कंपनी के डेफिनेशन से क्या हो जाती, बाहर। अरे हाँ कि ना, तो बोले क्या वो लोग कंपनी नहीं है क्या, बोले वो भी कंपनी है, चाहे तुम इस एक्ट पे रजिस्टर हो चाहे प्रीवियस कंपनी लॉ पे क्या हो, रजिस्टर, आप कंपनी कहलाओगे। यानी कि क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, रिलायंस, इंफोसिस, टाटा, तुम बने पिछले कंपनी लॉ में हो लेकिन लगेगा तुमको 2013, तुम बने पिछले कंपनीज एक्ट में हो लेकिन लगेगा तुमको 2013, क्योंकि पिछले तो चले गए, जाने वाले को कौन रोक सकता है, जो है वही लगेगा।
तो अगर मैं ये प्रीवियस कंपनी लॉ ये शब्द ऐड नहीं करता, मैं मतलब लॉ मेकर ऐड नहीं करते, तो ऐसी कंपनी जो 2013 के पहले वाले कंपनी लॉ में बनी है वो तो कंपनीज एक्ट के स्कोप से बाहर हो जाती, फिर वो चार्ज क्रिएट कराती तो उनको रजिस्टर नहीं करना पड़ता, फिर वो डिपॉजिट अगर लेती तो उनको सर्कुलर इश्यू नहीं करना पड़ता, अरे फिर वो अगर नाम वो ऑब्जेक्ट चेंज करेगी तो उनको कंसेंट लेने की जरूरत, क्योंकि वो कंपनी की डेफिनेशन से क्या हो जाते बाहर। तुम बने हो पिछले एक्ट में, लगेगा नया। एवरीबॉडी, तुम बने हो पिछले एक्ट में, लगेगा नया। तुम बने हो पिछले एक्ट में, लगेगा नया। 2013 लगेगा, भले इनकॉर्पोरेट 1956 में हुए हो चाहे पीछे हुए हो। क्या तुम मेरे साथ हो? थोड़ा सा कंसेप्ट में और करीब जाता हूं मैं, आपको लेकर जाता हूं किस पे, कंसेप्ट में। ये 220 था दोस्तों, 220 के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, 267। 267 में डेफिनेशन किसका दिया हुआ है, प्रीवियस कंपनी लॉ का। और बोले सरल शब्दों में प्रीवियस कंपनी लॉ का मतलब एनी ऑफ द फॉलोइंग लॉस, चाहे 1866 हो, चाहे 1882 हो, चाहे 1913 हो, चाहे 1942 हो, चाहे 1950, इन एक्ट में कहीं पे भी आप क्या हुए हो, इनकॉर्पोरेट, आपको इस एक्ट के हिसाब से, 2013 वाले एक्ट के हिसाब से क्या माना जाएगा, कंपनी, और आपके ऊपर ये सारे प्रोविजन लगेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं कह सकता हूं ये सारे के सारे एक्ट इंडियन कंपनीज एक्ट है? हेलो, ये सारे के सारे एक्ट जो थे ये क्या थे, इंडियन कंपनीज एक्ट। 2013 वाला भी क्या है, इंडिया का ही कंपनीज एक्ट। अबे हाँ, मैं नाम पे बस इंडियन क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि जितने एक्ट पहले थे और आज है ये इंडिया के ही है ना, और इंडिया के ही कंपनीज एक्ट है ना। तो अगर मैं इंटरप्रिटेशन आपको सिखाने की कोशिश करूं कि सेक्शन नंबर 220 रीड विद 267, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट। अरे हाँ, क्योंकि डेफिनेशन ये दिया इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, तो ये वाला भी इंडिया का है, पुराने वाले भी इंडिया के थे, तो कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर इंडियन कंपनी से, खत्म। नहीं समझे? समझे ना, है ये भी इंडिया के, ये वाला भी जो है 2013 पढ़ रहे, ये भी कौन सा है, इंडिया का। तो अगर मैं बोलता हूं ऑल द अबव एक्ट वॉज इन रिलेशन टू वॉट, इंडियन कंपनीज, तो देयर फॉर एज पर सेक्शन 220 रीड विद सेक्शन 267, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट, खेल खत्म। दोनों को अगर साथ में पढ़ना चाहूं, 220 रीड विद 267, कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट, बात खत्म। अब फिर तू पिछले वाले में हो चाहे नए वाले में हो, दोनों इंडिया। अरे हाँ, दो स्टेटमेंट याद रखना, कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट, तुम बने चाहे पहले हो, लगेगा आज वाला। तुम इनकॉर्पोरेट हुए हो पिछले एक्ट में, लगेगा 2013 वाला जो चल रहा है, बिकॉज कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी, एंड द प्रीवियस कंपनी लॉ भी इंडिया का था, आज वाला भी क्या है, इंडिया का। तो कंपनी रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट इज अ कंपनी, 77 भी लगेगा, 73 भी लगेगा, 13 भी लगेगा, जो पढ़े ना अभी तीन। डिपॉजिट लोगे तो सर्कुलर इश्यू करना पड़ेगा, चार्ज क्रिएट कर रहे हो रजिस्टर करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हो कंसेंट लेना पड़ेगा, तुमको भी लगेगा। सोचना मत कि तुम पुराने हो तो बच जाओ। एग्जांपल के लिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कब इनकॉर्पोरेट हुई, 1973 में। टाटा स्टील कब इनकॉर्पोरेट हुई, 1907 में। इंफोसिस कब इनकॉर्पोरेट हुई, 1980। Such companies are incorporated under Companies Act 1956 are also included in the above definition for being treated as a company. तुम बने पहले हो, लेकिन लगेगा आज वाला। तुम 1956 में बने, 1903 में बने, 1904 में बने, तुमको Companies Act 2013 वाला लगेगा, क्योंकि उसके कंपनी के डेफिनेशन में तुम आ पा रहे हो प्रीवियस कंपनी लॉ की वजह से। Are you sure everybody? तो अगर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या मैं कह सकता हूं तुम्हारा क्लॉज ए क्लियर हो गया, क्या मैं कह सकता हूं तुम्हारा क्लॉज ए क्लियर हो गया,
कि कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होगा उन कंपनी में जो इस एक्ट में रजिस्टर हुई है या प्रीवियस कंपनी लॉ, यानी कि सरल शब्दों में कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट उस कंपनी के ऊपर सेक्शन कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा। ये सेक्शन 1 सबसेक्शन नंबर 4 का क्लॉज ए था एवरीबॉडी। सेक्शन नंबर 1 सबसेक्शन नंबर 4 का क्लॉज क्या था? ए। क्लैरिटी है। आज मैं अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड को इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं, कौन से एक्ट में कर पाऊंगा? पिछले में ऑप्शन है ही नहीं क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। मेरे ऊपर कंपनी से 2013 लगे, रिलायंस इंफोसिस स्टार्टअप पिछले वाले पे से लगे हुआ आज। क्लैरिटी है। क्लॉज ए के बाद, क्लॉज ए के बाद बी सी डी ई, एवरीबॉडी बी सी डी ई, एवरीबॉडी क्या तुम मेरे साथ हो? बी सी डी ई, बी के अंदर आती है इंश्योरेंस कंपनी, बी के अंदर आती है बैंकिंग कंपनी, डी के अंदर आती है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, बी सी डी। बी के अंदर क्या है? इंश्योरेंस कंपनी। सी के अंदर क्या है? बैंकिंग कंपनी। डी के अंदर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। क्या तुम मेरे साथ हो? बी के अंदर इंश्योरेंस, सी के अंदर है बैंकिंग, डी के अंदर है इलेक्ट्रिसिटी। अलग से नाम बताया इनका, क्यों बताया पता है? हेलो एवरीबॉडी, अलग से इनका नाम बताया, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, क्यों बताया पता है? मैं समझो, हेलो एवरीबॉडी, HDFC बैंक लिमिटेड, यस बैंक, कोटक, ये सारी बैंकिंग कंपनी है। क्या लगता है किस पे रजिस्टर है? कंपनीज एक्ट 2013 पे ही रजिस्टर है। तुम बोलोगे तो मैं दिखाता है तुमको HDFC का मेमोरेंडम, लिखा है कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956, यानी कि आज के हिसाब से कंपनी। अरे हाँ, इंश्योरेंस कंपनी HDFC इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, SBI का भी इंश्योरेंस आ जाता है, यस बैंक का भी एक अलग से इंश्योरेंस कंपनी बन जाती है। अरे हाँ, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, आज प्राइवेट कंपनी को भी अपन दे रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का विभाग। भाई साहब, ये जो कंपनी है ना, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, बैंकिंग कंपनी हो गई, जो मैं बता रहा हूँ HDFC बैंक लिमिटेड, कोटक बैंक, यस बैंक, ये सारे कंपनीज एक्ट पे ही रजिस्टर्ड हैं। अरे हाँ, बट ये बी सी डी में अलग से इनको क्यों बताया कि इनके ऊपर भी मैं लगेगा? ये तो कंपनी के अंदर आ जाएंगे ना, क्योंकि जब ये कंपनीज एक्ट 2013 में या पिराने वाले में रहेंगे तो ये कंपनी है, इन पे लगेगा। ये बी सी डी में अलग से तुमने इसको मेंशन क्यों किया है? एवरीबॉडी, सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बैंकिंग, इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी स्पेशल एक्ट से भी रेगुलेट होते हैं। इस पे कंपनीज एक्ट 2013 तो लगेगा ही। तुम चार्ज क्रिएट किए, रजिस्टर करा, तुम डिपॉजिट ले रहे हैं, सर्कुलर इश्यू कर, तुम साला ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा है, कंसेंट ले, लगेगा। इनको रेगुलेट करने के लिए, इनको थोड़ी औकात में रखने के लिए इनके अलग से स्पेशल लॉ भी है, इनके ऊपर अलग से बैंकिंग कंपनी के लिए अलग से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 है, इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है, हेलो इंश्योरेंस एक्ट अलग है, इनके लिए अलग से स्पेशल लॉ भी बना हुआ है। तो बात यह आती कि जब इनके लिए स्पेशल लॉ, स्पेशल समझ रहे हो ना, तुमको औकात में रखने के लिए खास, इसको कुछ इस प्रकार से समझो, इसको कुछ इस प्रकार से समझो, जीवन में दो प्रकार के इंसान, एक सभ्य इंसान, थोड़ी बहुत मस्ती करता है, उसको बहुत खेलने कूदने का शौक है, दोस्ती यारी ज्यादा है, पढ़ाई लिखाई में ज्यादा ध्यान नहीं, खेल कूद में ज्यादा ध्यान है, माँ बाप इतने परेशान नहीं है, बस इतना बोलते रहे पढ़ ले रे नलायक, थोड़ा सा 4 घंटे खेल रहा है, कम से कम 1 घंटा तो पढ़ ले, नहीं पढ़ेगा तो पापा को बताऊंगी, तो डर के बैठ जाता है। एक कंपनीज एक्ट बराबर, एक बच्चा ऐसा है भाई जो हाथ के बाहर है, वो बाप से भी नहीं डरता, और रात को अपने दोस्त के साथ आया है गांजा फूंक के, उसको बाप बाप जैसा दिख ही नहीं पा रहा है, वो घर पे घुस रहे, बोले ले तो लाइटर मार तो, क्यों? क्योंकि वो नशे में है। अरे हाँ, उसके लिए बाप की अथॉरिटी काम नहीं करेगी, उसके लिए बाप की अथॉरिटी के अलावा कोई अथॉरिटी लगेगी, बाप बोलेगा इसको लेके जाओ,
नशा मुक्ति केंद्र में, क्योंकि नशा मुक्ति केंद्र वाले भी इसको अपने से ले जा नहीं सकते जब तक गार्डियन की अप्रूवल ना रहे। बोले लेके जाओ इसको, वहां उसको सूटेंगे अच्छे से, सुबह सुबह उठाएंगे, झाड़ पत्ती खिलाएंगे हरा हरा, उसको एंटी ड्रग वाला ये सारे देंगे जिससे उसका क्या है सब नशा उतरे, सूटेंगे अच्छे से, सुबह सुबह उठा के मेडिटेशन कराएंगे कि तू सुधरे, अलग से लोग चाहिए इसको सुधारने के, समझ पा रहे हो? तो दो लोग मिलके सुधार रहे हैं, एक घर का कंपनीज एक्ट, एक बाहर का स्पेशल एक्ट, समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो ना कि भाई ये ऐसे 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 प्राणी लोग हैं, ये अकेले से नहीं संभलेंगे, तो ये स्पेशल लॉ से संभल रहे हैं। कौन? बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी। तुम देखोगे तो तीनों इतने महत्वपूर्ण सेक्टर हैं कि अकेले औकात ही नहीं, बोले कंपनी सेक्टर में संभाल पाऊं इनको, इनको थोड़े से और रेगुलेशन चाहिए भाई, इंश्योरेंस भर के पैसा, बैंकिंग भर के पैसा आने वाला है, एक कंपनी से अकेला इतना स्टेक होल्डर का इतना बड़ा पैसा नहीं संभाल पाएगा, लाओ थोड़े से और इनकी निगरानी लाओ, वॉच डॉग लाओ इनके लिए, कहां क्या कर रहे हैं। तो इनका स्पेशल वॉच डॉग भी है कंपनी एक्ट के अलावा, जो इन पर निगरानी रखेगा। कंपनी एक्ट तो ऑब्लिगेशन लगा ही रहा है, साथ साथ में बेटा ये भी लगा रहा है, ये भी कर, ये भी कर, ये दोनों मिलकर उसको टोचेंगे, ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करेंगे एवरीबॉडी। इसीलिए इनको अलग से नाम लिया गया है ये कंपनी एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड। दिखाता हूं एक सेकेंड रुको, मेरे पास है इधर अरे मेमोरेंडम, तो ये आ गया मेरे पास मेमोरेंडम ऑफ HDFC बैंक। नीचे देखो क्या लिखा है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ HDFC बैंक लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, कंपनी लिमिटेड बाय क्या है शेयर्स। फिर वो देखो उसका पहले नाम है, फिर रजिस्टर्ड ऑफिस है, फिर क्या है ऑब्जेक्ट है, ऐसे करके चीजें चल रही है। क्या तुम मेरे साथ हो? तो भाई बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, साथ साथ में इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, बने तो कंपनीज एक्ट में है, बट ये ऐसे सेक्टर हैं, ये अकेले से स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट सिर्फ कंपनीज एक्ट इसका प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, इस पे और स्पेशल लॉ की जरूरत है, बरोबर। तो कंफ्यूजन ये आता है कि जब इनके स्पेशल लॉ बने हैं तो क्या कंपनीज एक्ट भी लगेगा, क्योंकि ये तो इनकॉर्पोरेट कंपनीज एक्ट में हुए, तो अगर इनकॉर्पोरेट कंपनीज एक्ट में हुए तो कंपनी की डेफिनेशन में आ गए, तो कंपनीज एक्ट तो लगेगा ही। तो बोले फिर स्पेशल एक्ट भी है, बोले कौन कौन से स्पेशल एक्ट है, तो कहता है देखो इंश्योरेंस कंपनी वाले हैं वो गवर्न होते हैं 1938 और इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999, ये वाला जो है इसके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से भी गवर्न होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 से गवर्न होती है, इनके खुद के भी है, अरे इनके खुद के भी है। मजेदार बात बताऊं, एकदम मजेदार, बैंकिंग कंपनी है, मैंने तुमको बताया कि तुम भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो पब्लिक से और मेंबर से, तो बैंकिंग कंपनी तो करेगी। अबे जब तुम बैंकिंग कंपनी ना होते हुए मेंबर से और पब्लिक से डिपॉजिट ले सकते हो तो बैंकिंग कंपनी लेगी कि नहीं लेगी? चैप्टर नंबर 5 जो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट का मैंने तुमको चैप्टर बताया कि कंपनी पब्लिक से और मेंबर से डिपॉजिट ले सकती है, कितना ले सकती है मैक्सिमम? 35%। कितना? 35%। किसका 35%? कंपनी की नेटवर्थ का 35%। कंपनी की नेटवर्थ मतलब पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, इन तीनों को प्लस कर जितना अमाउंट आ रहा है उतना ही डिपॉजिट ले सकती है पब्लिक कंपनी पब्लिक से। अब एक बात बताओ, बैंकिंग कंपनी के ऊपर भी कंपनी से 2013 एप्लीकेबल हो रहा है, बैंकिंग कंपनी अपना नेटवर्क चेक करे, ये रुक जाओ और डिपॉजिट नहीं पाए, 35% हो गया भाई 35%, वो लॉ कंप्लाई करने बैठे कि अपना धंधा संभाले। एवरीबॉडी, तो भाई साहब देखो ऐसा है, बैंकिंग कंपनी बोल रहा है कि ये बैंकिंग कंपनी, सपोज करो ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में क्या लिखा है कि भाई बैंकिंग कंपनी है, सपोज करो इसको कोई सीमा नहीं है, ये जितना चाहे उतना डिपॉजिट ले सकती है और जितना चाहे जितना लोन दे सकती, बैंकिंग कंपनी। अरे हाँ, कंपनी से बोल रहा नहीं भैया 35% से ज्यादा नहीं करवाएंगे, हेलो 35% से ज्यादा करवाने वाले? तो बोले यही तकलीफ थी, तुम दो लोग को एक साथ जब दो लोग कंट्रोल करने आते हैं ना तो यही तकलीफ होती है। अरे हाँ, जब दो लोग कंट्रोल करने आते हैं तो यही तकलीफ होती है, मम्मी कुछ और बोल रही, पापा कुछ और बोल रहे हैं। अरे हाँ, तुम मम्मी को बोल रहे हो आज मेरे को पार्टी में जाना है फेयरवेल में, बोले पापा से पूछ ले, पापा बोल रहे मम्मी से पूछ ले। अरे हाँ,
तो जब दो लोग कंट्रोल करने आ रहे हैं ना तो यही टप्पा टप्पा चलते रहेगा। कंप्लाई किसको करें? कंपनीज एक्ट 2013 बोल रहा है 35 के ऊपर लेना मत, वो कह रहा है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लो, तुम बैंकिंग कंपनी काहे के लिए बने हो? अरे हाँ, तो भाई ये तो दो एक साथ अगर आप लगा रहे हो, बोलो क्यों? बोले एक तो वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर है तो कंपनीज एक्ट तो लगेगा ही, फिर स्पेशल अलग बना दिया, उसमें बोल दिया कि ये स्पेशल बैंकिंग कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, वो भी रेगुलेट कर रहा है, ये बोल रहा है तो ले, ये बोल रहा है मत ले 35 के ऊपर, तो क्या करें? अरे हाँ, तो बी सी डी, क्या तुम मेरे साथ हो? बी सी डी, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, जो कि खुद के स्पेशल लॉ से भी गवर्न होते, से भी, क्योंकि कंपनी से तो गवर्न कर ही रहा है। तो कहता है इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में भी कंपनीज एक्ट लगेगा, एक्सेप्ट, क्या कह रहा है? एक्सेप्ट इन सो फार, बोलेंगे एक्सेप्ट इन सो फार द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इज इनकंसिस्टेंट विद देयर स्पेशल लॉस। समझ में आएगा? वापस बोलेंगे, कंपनीज एक्ट 2013 इज एप्लीकेबल ऑन इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, एक्सेप्ट एक्सेप्ट ई एक्स सी ई पी टी एक्सेप्ट इन सो फार एक्सेप्ट इन द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इज इनकंसिस्टेंट विद देयर स्पेशल लॉस। एक्सेप्ट इन सो फार का मतलब है, बोले वैसे तो लगेगा लेकिन वहां वहां छोड़ देना जहां जहां कंपनीज एक्ट इनके प्रोविजन के साथ लड़ रहा है। इनका प्रोविजन बोल रहा ना ले दबा के डिपॉजिट ले और कंपनीज एक्ट मना कर रहा ना, कंपनीज एक्ट एकदम पीछे ले लेगा, ले चल वो स्पेशल लॉ है उसकी बात सुन। जहां पे लड़ाई नहीं हो रही है वहां पे साथ में काम है। एग्जाम्पल, साल में एक एनुअल जनरल मीटिंग करनी है, सेक्शन 96 बोलता है कंपनीज एक्ट 2013 का। अब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इसके बारे से कुछ बोलते नहीं, मीटिंग के बारे से तो करो फिर। हेलो भाई, एनुअल जनरल मीटिंग के बारे से कौन बोल रहा है? कंपनीज एक्ट 2013। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कुछ बोलता, इंश्योरेंस एक्ट कुछ बोलता, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कुछ बोलता, कंपनीज एक्ट का पालन कर। कंपनीज एक्ट एक कदम पीछे तभी लेगा जब तुम्हारे दोनों के प्रोविजन किसी एक पॉइंट में क्या कर रहे हैं? लड़ रहे। तो स्पेशल एक्ट विल प्रिवेल ओवर जनरल एक्ट। कंपनीज एक्ट जनरल है, सब कंपनी में लगेगा, पर तुम्हारे लिए एक अलग से स्पेशल एक्ट भी है, तो स्पेशल प्रिवेल करेगा जहां जहां पे भी क्या होगी? इनकंसिस्टेंसी। समझ पा रहे? हेलो एवरीबॉडी, तो बैंकिंग कह रहा है दबा के डिपॉजिट ले, ये कह रहा है 35, तो क्या करोगे? दबा के लोगे कि 35 मतलब डिपॉजिट? डिपॉजिट। एवरीबॉडी, चीजें समझ में आ रही है? तो वापस से बोलेंगे, द कंपनीज एक्ट 2013 इज एप्लीकेबल ऑन इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, एक्सेप्ट इन सो फार, एक्सेप्ट इन द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इज इनकंसिस्टेंट विद देयर स्पेशल लॉज। उनके जो स्पेशल लॉज है जहां से इनका से उतना बढ़ छोड़ देना, एक्सेप्ट इन सो फार, सिर्फ उतना छोड़ देना जितना कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजन उनके प्रोविजन स्पेशल लॉ के साथ क्या है? इनकंसिस्टेंट है, बाकी लगेंगे तो दोनों। और क्योंकि इनके लिए अलग से स्पेशल लॉज था इसलिए इन तीनों को अलग से लिखा, कि तुम कंफ्यूज मत हो जाना कि इनका अलग से स्पेशल लॉ है तो कंपनी नहीं लगेगा। मैं बता रहा हूं स्पेसिफिकली बोल के कि मैं इस पे भी लगूंगा, क्या तुम मेरे साथ हो? एक बार और बोलेंगे, अभी तो मजा आने वाला है। आगे कंपनीज एक्ट 2013 इज एप्लीकेबल ऑन इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, एक्सेप्ट इन सो फार द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इज इनकंसिस्टेंट विद देयर स्पेशल लॉ। यानी कि इससे इनकंसिस्टेंट हो सकता है, इससे इनकंसिस्टेंट हो सकता है, इससे इनकंसिस्टेंट। तो जहां जहां इनकी लड़ाई हो रही है वहां वहां कंपनीज एक्ट एक कदम क्या ले लेगा? उतनी जगह में वो एक कदम क्या ले लेगा? पीछे की तू बड़ा। जैसे बाप को भी बताना पड़ेगा ना, जब भी देखो लेके जाते हैं ना नशा मुक्ति केंद्र में, तो पहले बाप से साइन कराते कि भाई हम इस रूटीन में कराएंगे, मारेंगे पीटेंगे अलग, अनुमति है? बोले हाँ, बरोबर है। एवरीबॉडी, हमारे मैंने देखा है सामने एक ऐसा व्यक्ति था, बोले कैसे लेके जाएंगे? तुम उनको अगर बता दो कि तुमको लेने आ रहे हैं नशा मुक्ति केंद्र वाले, तो घर से भाग जाएंगे, क्योंकि कौन चाहेगा? क्योंकि तलब होती है उनको।
तो जब हमारी बात हुई थी तो उसको खबर ही नहीं थी जो हमारे रिलेटिव को लेके जाने वाले थे, तो उसको क्या किए थे पता है क्या, नींबू पानी है बोल के गर्मी के समय भी नींबू पानी में दवाई मिला के दिए थे बेहोशी के, वो पिया बेहोश हुआ उठा के ले गया, उठा नशा मुक्ति के लिए। हाँ बरोबर है क्या, ऐसे ही लेके जाते हैं, नहीं तो वो ले जाने थोड़ी देंगे, मारा कुटाई करेंगे। और वो क्या है मतलब तुम समझो एक प्रकार की जेल है उनके लिए जिनको ऐसे आजादी में जीने की आदत है, तो एक कस मारे आजाद। ठीक है चलो बात को सुनना, नहीं मैंने उनको देखा है पता नहीं कौन सी हवा में चले जाते एक ही बार में, मैं ये चीज को प्रमोट कर रहा हूँ, मैं जस्ट बता रहा हूँ ए बी सी डी वन ई में क्या लिखा है, एनी अदर कंपनी गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल। बोले ये जो तो इंश्योरेंस बैंकिंग इलेक्ट्रिसिटी तुमने देखा ना, इसके अलावा भी कोई ऐसी कंपनी होगी जिसके लिए अलग से स्पेशल एक्ट बना होगा तो ठीक है वो भी लगेगा और कंपनी से भी लगेगा, लेकिन जहां इनकंसिस्टेंट होगा वो प्रिवेल करेगा। ये तीन का तो अलग से आपको बता दिया, लेकिन कहता है इसके अलावा भी कोई ऐसी कंपनी जिसके लिए अलग से स्पेशल लॉ बना हुआ तो वो भी लगेगा, कंपनी से भी लगेगा, लेकिन एक कदम पीछे कंपनी से लेगा जब इनकंसिस्टेंट हो। अब एनी अदर क्यों बोला, क्योंकि भाई जरूरी थोड़ी कि आज ऐसी तीन कंपनी जिसके लिए स्पेशल लॉ है भविष्य में भी तो आ सकता है, तो कौन अमेंड करते बैठेगा कि तुमने तो सिर्फ तीन के लिए बोला था, इसको जनरलाइज कर दिया एनी अदर कंपनी जिसके लिए कल को स्पेशल लॉ आएगा वो भी ऐसी चलेगी, खेल खत्म, बच गए लॉ मेकर अमेंडमेंट पाने से। समझ पा रहे हो कितना दिमाग लगाया उन्होंने कि आज तीन के लिए स्पेशल लॉ है ना, कल को और के लिए आएगा तो क्या अमेंड करते बैठेंगे कि नहीं तुमने तो तीन के लिए बोला था, तुमने पहले ही डाल दो जनरलाइज कर दो, भविष्य में भी कोई ऐसी कंपनी रही जिसके लिए अलग से स्पेशल लॉ रहेगा, जय माता दी, वो भी लगेगा ये भी लगेगा, लड़ाई होगी एक कदम पीछे हो जाएगा। बरोबर है सेक्शन नंबर वन सब सेक्शन नंबर फोर, सेक्शन नंबर वन सब सेक्शन नंबर फोर, क्या तुम मेरे साथ हो। सेक्शन नंबर वन सब सेक्शन नंबर फोर द एप्लीकेशन ऑफ कंपनीज एक्ट इन क्लॉज नंबर ए कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, क्लॉज नंबर बी बैंकिंग कंपनी, क्लॉज नंबर बी इंश्योरेंस, क्लॉज सी बैंकिंग, क्लॉज डी इलेक्ट्रिसिटी एंड क्लॉज ई एनी अदर कंपनी गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट। एवरीबॉडी लास्ट आता है हमारे पास बॉडी कॉर्पोरेट, क्या आता है कंसेप्ट मजेदार यहां से और शुरू हो जाएगा, बॉडी कॉर्पोरेट क्या बोल रहा है, बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट, और साथ साथ में बोला है कि वो बॉडी कॉर्पोरेट जो कि इनकॉर्पोरेट होगी किसी एक्ट में और साथ साथ में सीजी उसको क्या करेगा नोटिफाई। कहीं पे भी आपको नोटिफाई शब्द नहीं मिला ए से लेके ई तक में, और कहीं तक भी आपको ए से लेके ई तक में बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड नहीं मिला, ए से लेके ई तक सिर्फ एक ही वर्ड था कंपनी, पूरा वखरा पॉइंट है। एफ पूरा क्या है भाई, ए बी सी डी हर जगह आपको देखो क्या दिख रहा है, कंपनी 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 कंपनी, कोई नोटिफिकेशन की बात नहीं है। एफ में जैसे बोले बॉडी कॉर्पोरेट सीजी के द्वारा नोटिफाइड, अलग आ गया कंसेप्ट। तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता, अपने दिमाग को थोड़ा सा ना ओपन कर लो थोड़ा सा, क्योंकि अब जो बोलने वाला हूं उसमें बुद्धि मत चलाना, जब बोलूंगा बस सुन लेना अपने आप समझे। एवरीबॉडी होता है ना कभी कभी अपन ज्यादा दिमाग लगाते हैं तो दिमाग रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, उसी उतना ही सोचने लग जाता है जितना लिखा है, पीछे पिक्चर बड़ी है, बराबर है क्या, वो बड़ी पिक्चर को समझना। सबसे पहले तो राजा क्लॉज नंबर एफ पे जो बॉडी कॉर्पोरेट है इसका डेफिनेशन दिया है सेक्शन नंबर टू क्लॉज नंबर 11 पे, बरोबर है, फाउंडेशन में थोड़ा बहुत सुने पढ़के हो गए तो समझते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आता है क्या बॉडी कॉर्पोरेट, राजा बॉडी कॉर्पोरेट का एक तो मैंने लिखा है क्या मीनिंग, और दूसरे बाजू क्या लिखा है डेफिनेशन। डेफिनेशन में अगर आप देखोगे तो लिखा है सेक्शन नंबर टू क्लॉज नंबर क्या 11, और यहां पे क्या लिखा हुआ है मीनिंग, जहां पे मीनिंग लिखा हुआ है ना वो बॉडी कॉर्पोरेट का कंसेप्ट बताता है कि बॉडी कॉर्पोरेट बोलते किसको है, और सेक्शन 211 के अंदर बताया कि कंपनीज एक्ट में बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर क्या आता है डेफिनेशन। बट मैं इन डेफिनेशन में आपको उन शब्दों को दिखाना चाहता हूं, देखो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन शुरू होती है 211 की, बॉडी कॉर्पोरेट क्या करता है इंक्लूड्स, की बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स, बाजू वाली बच्ची को थोड़ा सा जगाओ,
अरे वो लास्ट में जो बीच में बैठी है, ये कॉर्नर में जो बच्ची बैठी है बेटा, तेरे बाजू वाली, हाँ तेरे बाजू वाली, चश्मा लगाई है जो, टेक इट इजी बेटा, नया कंसेप्ट आ रहा है। हाँ हाँ जी एवरीबॉडी, सेक्शन नंबर टू क्लॉज नंबर 11, क्या वर्ड यूज किया है? बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स। बॉडी कॉर्पोरेट क्या है? इंक्लूड्स, बराबर है क्या? और यहां पे अगर आप देखोगे, जब हमने कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी, यहां पे क्या लिखा था? कंपनी मींस। ये मींस और इंक्लूड्स में फर्क क्या है? कंपनी मींस, बोले कंपनी के अंदर सिर्फ वही आएगा जो इस एक्ट में है या प्रीवियस कंपनी लॉ पे है। अरे बाहर के किसी लॉ में अगर कोई कंपनी रजिस्टर है, हम बाहर की बात किए, हम इंडिया के कंपनीज एक्ट की बात की, तो जो बोला है वही आएगा, उसके अलावा और कुछ भी आने वाला। लेकिन जहां पे वर्ड क्या यूज हो जाता है? इंक्लूड्स, गंदा डेफिनेशन हो जाता है। कैसा हो जाता है? गंदा। इसको समझने के लिए चाहिए ब्रॉडर माइंड, क्योंकि ये शब्द भी क्या है? ब्रॉड। गंदे डेफिनेशन को अच्छे से समझाने का प्रयास शुरू करता हूं। क्या लिखा है? बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स, इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, डेफिनेशन है। हिंदी मतलब अगर इसका निकालू, हिंदी में ट्रांसलेशन करूं, बॉडी कॉर्पोरेट में वो कंपनी भी आएगी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई, यही मतलब है। इंक्लूसिव डेफिनेशन है कि बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर वो कंपनी भी आएगी जो इंडिया के बाहर, वो कंपनी भी आएगी, क्या वो कंपनी भी आएगी। अब बात यह है कि अगर वो कंपनी भी आएगी तो और इसके अंदर क्या क्या आ रहा है? हेलो, फील करो डेफिनेशन को। मैं हिंदी में बोल के फील करवा रहा हूं क्योंकि इंग्लिश में फील नहीं हो पाता। हम लोग, हमारी आत्मा की जो भाषा है वो हिंदी है, मैं सच बता रहा हूं, या तो मराठी होगी क्योंकि अपन महाराष्ट्र, दोनों में से कोई एक भाषा है जो आत्मा की भाषा है। मेरी आत्मा की भाषा हिंदी क्योंकि मैं बचपन से हिंदी बोल रहा है। तुम्हारी आत्मा की भाषा हो सकती है मराठी, हो सकती है क्योंकि तुम महाराष्ट्र में पले बड़े, बराबर है क्या? तो भाई साहब हिंदी में अगर बोलू, हिंदी में अगर क्या करूं, बोलू कि बॉडी कॉर्पोरेट में वो कंपनी भी आएगी जो इंडिया के क्या है? बाहर। बोलेंगे साथ में, बॉडी कॉर्पोरेट में वो कंपनी भी आएगी, वो कंपनी भी, वो कंपनी भी, क्या वो कंपनी भी आएगी जो इंडिया के बाहर क्या है? इनकॉर्पोरेट। इंक्लूसिव डेफिनेशन कैसा है? कहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को हटा देना इसमें से। किसको हटा देना? अब पहले क्या होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये समझ लो। कोऑपरेटिव सोसाइटी भाई साहब एक प्रकार की समझ लो अपने लोगों की कंपनी, बस उसको कंपनी नहीं बोलते, बोल देते सोसाइटी। आज मैं, लता, फलक और भाई लोग के साथ मिलकर हम लोग 20 लोग इकट्ठे हो गए, ये 20 लोग की कंपनी बन गई कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या बन गई है? कोऑपरेटिव। जो पैसा आएगा इस पे आपस के लोगों में बटेगा, ये बाहर के लोगों को लेते भी नहीं, ये बाहर के लोगों को लेते भी नहीं। एग्जांपल बताता हूं, एक हमारे उधर बड़े फेमस है छत्तीसगढ़ में, एक रेस्टोरेंट चलता है कॉफी हाउस। क्या चलता है? कॉफी हाउस एक ब्रांड है, एक नाम है, जो कि चलाते सारे साउथ इंडियन है और हर जगह उनका एक ब्रांच रहेगा। कॉफी हाउस, साउथ इंडियन फूड मिलेगा, आप जाओगे तो बकायदा एकदम व्हाइट कलर का कपड़ा, ऐसे टोपी में ऐसे लगा रहेगा, एकदम महाराजा लोग के जैसे, एकदम हट्टे कट्टे रहेंगे, व्हाइट कपड़ा है, हाँ रेड कलर का कुछ बेल्ट टाइप का, और वो सर्व करते रहेंगे। मैं एक दिन उनके रेस्टोरेंट में गया, रेस्टोरेंट में जाने के बाद जब मैं बिल पे करने के लिए गया, वहां के वेटर लोग टिप नहीं मांगते। काउंटर में एक लगा रहता है टिप बॉक्स, और टिप बॉक्स में पैसे डालना है, जितना पैसा आया वो हर वेटर में बटेगा, कि किसी पर्टिकुलर एक वेटर को ना मिले, बराबर। और जब पेमेंट करने गया तो लिखा था कि भाई ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के फॉर्म पे रन कर रहा है, यानी कि जितने लोग हैं वो उनके आपस के लोग हैं, तुम जाओ वहां पे काम मांगने, नहीं देंगे तुमको, वो जितने हैं वो कहां के हैं? आपस के। एक प्रकार से बोलू तो घर घर का जो धंधे वाले लोग है ना, आपस में जो रिश्तेदार, वो आपस में मिला के धंधा चला रहे रेस्टोरेंट के नाम पर, आपस में बांट रहे, तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, वो पब्लिक कंपनी नहीं है ना, वो तो उसको प्राइवेट भी नहीं बोल सकते। प्राइवेट में कम से कम तुम बातचीत करके इन्वेस्ट तो कर सकते हो कि भाई मेरे पास पैसा है, तेरा प्रोजेक्ट अच्छा है, बोल तो लगाता हूँ, स्पेसिफिक ऑफर तो हो सकता है। हाँ, वो लोग एंट्री ही नहीं देते किसी को अपनों के अलावा, कोऑपरेटिव सो आपस के लिए कोऑपरेट करने वाले। अरे हाँ, तो भाई जिसपे पब्लिक
और आम जनता का एक्सेस ही नहीं है, बाजू करो उसको भगाओ साले को, अरे हाँ वो बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं आता है, एवरी बॉडी शुरू करें। ये बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन है, बराबर है। एक तो कि उस पर वो कंपनी भी आएगी, वो कंपनी भी आएगी जो इंडिया के, वो कंपनी भी आएगी, क्या बोल रहा है, वो कंपनी भी आएगी, कॉपरेटिव सोसाइटी नहीं आएगी। और बोले ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट, कैसी बॉडी कॉर्पोरेट, ऐसी जिसको सीजी ने नोटिफाई कर दिया है, जिसको सीजी ने, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट तो रहेगी लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएगी नहीं, क्योंकि सीजी ने उसको क्या कर दिया, नोटिफाई करके एवरीबॉडी, तो इंक्लूड्स में तो सत्यानाश कर दिया, गंदा डेफिनेशन है, क्या है गंदा। तो कंपनी भी आएगी जो इंडिया के बाहर है, एक्सक्लूड में बोले कॉपरेटिव सोसाइटी और ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो है तो सही लेकिन तेरे को नोटिफाई कर दिया कि तू नहीं है, तो एक्सक्लूड हो गई। हाँ सवाल आता है सर बॉडी कॉर्पोरेट है क्या, बराबर, अभी तक मजाक चल रहा है, तो बॉडी कॉर्पोरेट है क्या, तो बॉडी कॉर्पोरेट है एसोसिएशन ऑफ पर्सन या ऐसी एंटिटी जो इन पांच चीजों को संतुष्ट कर, उसको बोला जाता है बॉडी कॉर्पोरेट। मजेदार कंसेप्ट आने वाला है, नजर हटेगी तो दुर्घटना घटेगी, ये भाई कान से हाथ निकाल, मजेदार कंसेप्ट है, नजर हटेगी तो दुर्घटना घटेगी, क्या तुम मेरे साथ हो। सबसे पहला इस पे क्या बोला कि बोला ऐसा एसोसिएशन ऑफ पर्सन या ऐसी एंटिटी, एंटिटी का मतलब कोई भी धंधा, कोई भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास ये पांच चीजें, कितनी चीजें हैं, पांच। पहली चीज, आपका एसोसिएशन कहीं ना कहीं तो इनकॉर्पोरेटेड है, इनकॉर्पोरेटेड यानी कि किसी एक्ट पे रजिस्टर्ड है। तो सर कॉपरेटिव सोसाइटी भी तो किसी एक्ट पे रजिस्टर होती है, उनका है कॉपरेटिव, लेकिन उसको बाहर कर दिया ना पहले, वो बॉडी कॉर्पोरेट होते बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन से बाहर है, क्योंकि उसको डेफिनेशन से क्या कर दिया है, एक्सक्लूड। तो उसको सोचना भी मत कि सर वो भी तो किसी एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट, वो पहले ही बाहर है। अरे हाँ, तो इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ, ऐसा एसोसिएशन या ऐसी एंटिटी जो किसी लॉ के अंदर क्या है, रजिस्टर्ड है, किसी एक्ट के अंदर क्या है, रजिस्टर्ड। अर्जुन छावड़ा ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। पहली सिचुएशन कंप्लीट हुई। दूसरा, उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है। मैंने आपको बताया जैसे ही आपको आरओसी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है, आपकी कंपनी की एक अपनी पहचान होती है। आप सिम जो है मुकेश अंबानी या उसके बेटे का सिम यूज नहीं कर रहे हो, आप रिलायंस जियो का सिम यूज कर। अरे हाँ, कभी बोले कि मैं रतन टाटा की कार चला रहा हूं, रतन टाटा जी की, बराबर, रतन टाटा जी की। कभी बोले ऐसे मैं रतन टाटा जी की कार चला रहा हूं, आप कहते मैं टाटा की कार चला रहा हूं। अरे हाँ, टाटा इज अ कंपनी विच इज सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम रतन टाटा जी। अरे हाँ, वो एक नहीं, वो सेपरेट पर्सनालिटी है। आज अगर अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड होती, एक कंपनी होती जो तुम अज्यूम करो है, तो तुम अर्जुन छाबड़ा के पास क्लास नहीं कर रहे हो, तुम अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के पास क्लास कर रहे हो। तुम अर्जुन छाबड़ा की क्लास में नहीं बैठे, तुम अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की क्लास में बैठे। कंपनी की एक अलग क्या है, पहचान। जैसे ही कंपनी रजिस्टर होती है, उसकी एक अलग पहचान देता है कौन, लॉ। तो भाई जैसे ही आप कहीं रजिस्टर हो रहे हो, आपको एक अलग पहचान मिल रही है। तीसरा, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का हिंदी में मतलब होता है निरंतर चलते रहती, कैसे चलती रहती है, निरंतर। सर कंपनी के अंदर मेंबर है, सर रिलायंस कब से चल रही, जब से धीरू भाई अंबानी थे, स्वर्गवास हो गया उनका। अरे हाँ, उसके अलावा और कितने मेंबर रिलायंस में हुए होंगे जो बने, छोड़े, मरे, इंसॉल्वेंट हुए, चले गए, लेकिन कंपनी तो अपना चली रही है। तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब मेंबर में कम, मेंबर में गो, बट कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। कंपनी ऑन पेपर बनी है लॉ के प्रोसेस से, वो मरेगी भी ऑन पेपर लॉ के प्रोसेस से ही। लॉ के प्रोसेस से इनकॉर्पोरेट हुई है तो लॉ के प्रोसेस से ही डिसॉल्व होगी, उसके पहले कोई मर नहीं सकता। कि एक चाकू मारा कंपनी को, कोई नेचुरल एग्जिस्टेंस नहीं कि वो मर जाए, वो लॉ के प्रोसेस से ही मरेगी। अरे हाँ, चौथा है कि कॉमन सील होगा उसके पास। कॉमन सील का मतलब कोई भी ऐसी एंटिटी जिसका आर्टिफिशियल एग्जिस्टेंस है, ऑन पेपर बनी है, तो वो साइन कैसे करेगी, तो उसकी कॉमन सील होती है, वो सील लग गई मतलब उसने क्या कर दिया, साइन। लास्ट, अब क्योंकि वो सेपरेट लीगल क्या है, एंटिटी, क्योंकि वो क्या है, सेपरेट लीगल,
आप उसको सूट फाइल कर सकते हो, उसके नाम से वो आपके ऊपर सूट फाइल कर सकता है। एक जबरदस्त एग्जांपल देता हूं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया क्या किसी लॉ के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है? हाँ, अलग से चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट 1949 आया जिसपे बोला कि आप इंस्टीट्यूट को क्या कर रहे, बना रहे, बरोबर है? देखना चाहते हो, नहीं देखना चाहते हो, देखना चाहते हैं? यह आपका चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट 1940 क्या है, नाइन, चार्टर्ड अकाउंटेंस एक्ट 1949। इसका अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आते अपन सेक्शन नंबर 3 में, क्या लिखता है, ऑल पर्सन, क्या लिखता है, ऑल पर्सन हुज नेम्स आर एंटर्ड इन द रजिस्टर एक्सेट्रा 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 हियर बाय कॉन्स्टिट्यूटेड अ बॉडी कॉर्पोरेट बाय द नेम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल सच पर्सन शैल बी द मेंबर्स। नीचे लिखा इसका परपेचुअल सक्सेशन होगा, कॉमन सील होगा, वो डिस्पोज कर सकती प्रॉपर्टी, उसको कोई स्यू कर सकता है, वो किसी को स्यू कर सकती है। अलग से क्या पास हुआ है, एक्ट, तो एक्ट पास हुआ, उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, आज प्रेसिडेंट कोई और है, कल कोई और रहेगा, आज मेंबर कोई और है, कल कोई और रहेगा, आज स्टूडेंट आप हो, कल कोई और रहेगा, मेंबर स्टूडेंट प्रेसिडेंट मे कम एंड गो बट इंस्टीट्यूट गोज ऑन फॉर एवर, कॉमन सील है। लास्ट वाली जो बात है, क्या इंस्टीट्यूट आपके ऊपर सूट फाइल कर सकता है? हाँ। क्या आप इंस्टीट्यूट के ऊपर सूट फाइल कर सकते हो? हाँ। राजस्थान की एक लड़की थी कोरोना के समय, उसने प्रेसिडेंट साहब को बस एक मेल लिख दिया था कि प्रेसिडेंट साहब इतनी गंभीर परिस्थिति में बस मुझे आप इतना बता दीजिए कि कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो करके आप एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हो, यानी कि हम कितने सेफ रहेंगे, हम ये जानना चाहते हैं। उसका रिजल्ट रोक दिया था इंस्टीट्यूट ने, उसने हाई कोर्ट पे जाके पिटीशन लगा दी थी इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट, कारण बताओ क्यों रुके, तो रिलीज कर दिया, बराबर है क्या? तो प्रेसिडेंट के खिलाफ सूट फाइल हुआ कि इंस्टीट्यूट के खिलाफ? इंस्टीट्यूट के खिलाफ, इंस्टीट्यूट के नाम पे केस हुआ। इंस्टीट्यूट भी पलट के आपके ऊपर केस कर सकता है क्योंकि इंस्टीट्यूट की एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। एवरीबॉडी समझ में आ रहा है बात? तो ऐसी संस्था जिसके पास ये पांच खासियत है उसको बोला जाता है बॉडी कॉर्पोरेट। एवरीबॉडी, क्या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया बॉडी कॉर्पोरेट है? क्या इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया बॉडी कॉर्पोरेट है? क्या इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट एक बॉडी कॉर्पोरेट है? क्या सेबी एक बॉडी कॉर्पोरेट है? सेबी के लिए भी एक्ट पास हुआ है पहले, सेबी एक्ट 1992, सेपरेट लॉ, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेबी के खिलाफ सूट फाइल होता है कि नहीं होता है? कि सेबी गलत रेगुलेशन लगा रही है हमारे ऊपर? सेबी का परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील है, वो स्यू कर सकती है। सीसीआई कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ, कंपटीशन एक 2002 आया, उससे वो आई। अरे हाँ, क्या तुम मेरे साथ हो? ये सारे के सारे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये क्या है, बॉडी। अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड है किसी लॉ में? हाँ। कंपनीज एक 2013, क्या सेपरेट लीगल एंटिटी है? हाँ। क्या परपेचुअल सक्सेशन है? हाँ। क्या कॉमन सील है? हाँ। क्या कैपेसिटी है? हाँ। क्या मैं बॉडी कॉर्पोरेट हूं? हाँ। ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस या ऐसा एसोसिएशन जिसके पास ये पांच चीजें, वो क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट। कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा आया होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है? एकदम जनरल डेफिनेशन है। कैसा डेफिनेशन है? जनरल। एक जबरदस्त सवाल पूछता हूं, LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, अलग से एक्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। पार्टनर्स जो LLP पे जाके रजिस्टर हो रहे हैं उनके एसोसिएशन को बोला जाता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। क्या सेपरेट लीगल एंटिटी मिलती है? हाँ। क्या परपेचुअल सक्सेशन होता है? हाँ। क्या कॉमन सील है? हाँ। क्या कैपेसिटी टू सी एंड बी सूड है? हाँ। तो क्या LLP एक बॉडी कॉर्पोरेट है? हाँ। कौन मना कर रहा है भाई? LLP एक बॉडी कॉर्पोरेट है? हाँ। किसी को कोई डाउट है? मैं ब्रॉडर डेफिनेशन इसलिए पहले ही पढ़ा रहा था कि मैं कहता हूँ बड़ा डेफिनेशन है, हर वो बिजनेस, हर वो एसोसिएशन जिसके पास ये क्या है, पांच चीज, वो क्या है, बॉडी। अच्छा, जिसको डाउट है कि LLP बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, वो सेक्शन 2
वन डी जाके पढ़ सकता है एलएलपी एक्ट का, वहां पे बोला है कि एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। हाँ तो मेक इट वेरी, दिखा दो, दिखाऊंगा मैं, नहीं आज मतलब बात मतलब नहीं, आज तो मैं दिखाऊंगा, लड़ाई हो गई आज, आज ही चेह सब। अब बात को समझना, किधर है एलएलपी, एलएलपी किधर हो तुम? हाँ जी, ये दिख रहा है आपको लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, इसका सेक्शन नंबर 2(1)(d) क्या लिखा है, बॉडी कॉर्पोरेट मींस अ कंपनी एज डिफाइंड इन क्लॉज 220, क्या लिखा है, इंक्लूड्स अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। किसी को कोई डाउट यहाँ पे, जिसको डाउट आ रहा था उसके लिए पहले दिखा दिया कि भाई एलएलपी भी क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट, क्या तुम मेरे साथ हो, आर यू श्योर दोस्तों, तो क्या एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, क्या आईसीआई एक बॉडी कॉर्पोरेट है, क्या सेबी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, एक आता है एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक आता है एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सारे ऐसी संस्थाएं हैं जो ये सारी चीज को पूरा करती है, तो क्या वो बॉडी कॉर्पोरेट है? आंसर इज यस। बॉडी कॉर्पोरेट तो आपको समझ में आ गया, थोड़ा सा आगे और जानना चाहता हूं, कहीं पे भी बॉडी कॉर्पोरेट ने आपको ये नहीं बोला कि इनकॉर्पोरेटेड इंडिया वाले एक्ट में हो चाहे बाहर, बस बोला इनकॉर्पोरेटेड होना चाहिए किसी भी लॉ पे, अरे पांच चीज हो तो क्या कहलाएगी बॉडी। थोड़ा सा अगर मैं आगे लेके चलू, एक बात बताना चाहता हूं, बॉडी कॉर्पोरेट को साथ में क्या बोला जाता है, क्यों आईसीएआई है, आईसीएसआई है, पहले कानून आया फिर आए, तो ऐसी बॉडी जिसके लिए पहले कानून पास हुए उसके बाद आई है, तो कानून को बोलते हैं स्टैट्यूट, और स्टैट्यूट से बनने के बाद जो संस्था बनी उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, कानून के द्वारा बनाई गई संस्था, तो स्टैट्यूटरी बॉडी, तो बॉडी कॉर्पोरेट को आप स्टैट्यूटरी बॉडी भी बोल सकते हो। और जीवन में आगे बॉडी कॉर्पोरेट को आप स्टैट्यूटरी बॉडी भी बोल सकते हो। एनालिसिस ऑफ मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट क्या लिखता है, इन सिंपल वर्ड क्या लिखता है, बॉडी कॉर्पोरेट इज अ वाइडर टर्म देन कंपनी एज इट इंक्लूड्स ऑल एंटिटीज रजिस्टर्ड इन इंडिया आउटसाइड, रजिस्टर्ड है और ये सारे खासियत है बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी मतलब इंडिया, बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी हो, स्टैट्यूटरी बॉडी हो, एलएलपी हो, ट्रेड यूनियन का नाम सुने, ट्रेड यूनियन भी रजिस्टर्ड होता है, ट्रेड यूनियन एक्ट है उनको, उनके ट्रेड यूनियन एक्ट में लिखा कि एक बार ट्रेड यूनियन रजिस्टर हुआ तो ट्रेड यूनियन बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएगा, लिखा है उधर, बॉडी कॉर्पोरेट में क्या आएगा, ट्रेड यूनियन भी आएगा, समझ पा रहे हो, मैं धीरे धीरे कंसेप्ट में आपको आके लेके जाता हूं, ये समझ में आ रहा है, सिंपल वर्ड्स में बॉडी कॉर्पोरेट क्या है, वाइडर टर्म है, कंपनी से बहुत बड़ा है, कंपनी का मतलब क्या होता है, कंपनी, अरे कंपनी इंडियन कंपनीज एक्ट वाली, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब, एंड कंपनी इज अ नैरोअर टर्म एज इट इंक्लूड्स ओनली अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी। थोड़ा सा और आगे बढ़े, यहां तक पचा लिए हो, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड, बॉडी कॉर्पोरेट में वो कंपनी भी आएगी जो इंडिया के बाहर, अरे हाँ वो कंपनी भी आएगी, मतलब तुम समझ रहे हो क्या बोल रहा है, वो कंपनी भी आएगी जो इंडिया के क्या है, बाहर, इंक्लूसिव है, वो भी आएगी, तो कौन कौन आएगा, तो वो कंपनी भी आएगी, तो बॉडी कॉर्पोरेट में अगर आप बोल रहे हो कि वो कंपनी भी आएगी जो इंडिया के क्या है, बाहर, इनकॉर्पोरेटेड, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एप्पल हो गया, ये तो वो कंपनी भी आएगी, व्हाट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन बॉडी कॉर्पोरेट, तो क्या मैं कह सकता हूं ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी में, जब वो भी आ रही है तो ये तो बाय डिफॉल्ट है, बड़ा टर्म है, अरे हाँ All entities registered in India or outside India, वो भी body corporate है, यानी कि SEBI, CCI,
ICAI, NHAI, FCI, LLP, ACT Private Limited, LLP, Outside India, Reliance Industries Limited, Tata, Trade Unions. डेफिनेशन समझ में आया? कहता है बॉडी कॉर्पोरेट में वो कंपनी भी आएगी. भी कब बोलता है इंसान? एग्जांपल बताता हूं. जैसे हम एसीटी से लेके जा रहे हैं पिकनिक. कहां लेके जा रहे हैं? पिकनिक. नाम क्या है? लता, महक, चिप्रा, साक्षी, पलक, जानवी. 1 2 3 4 5 6 लोग है ये. अब ये 6 लोग ने एनरोल करा लिया, पैसा दे दिया पिकनिक के लिए, बराबर है. अब वो आभा के पास जा रहे हैं. बोले आभा तू भी पिकनिक चल रही है ना? क्या बोल रहे? तू भी पिकनिक चल रही, तू भी. आभा बोले तू भी मतलब कौन कौन? बोले हम 6 के 6 जा रहे हैं. तो कौन अंदर इंक्लूडेड है? ये 6 और ना जाने और कौन होगा इनके पीछे, क्योंकि ये भी हैं. अरे हाँ, समझ पा रहे हो क्या? सो व्हेनेवर आई एम आस्किंग कि आभा तू भी चल रही है, तू भी मतलब हम तो हैं ही, वी आर बाय डिफॉल्ट इंक्लूडेड इन द पिकनिक. व्हाट अबाउट यू, आर यू कमिंग? बोले यस आई एम इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. अरे हाँ, आई एम इन द डेफिनेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट. समझ पा रहे हो क्या? तो अगर मैं बोल रहा हूं कि बॉडी कॉर्पोरेट क्या कर रही है, इंक्लूड बॉडी कॉर्पोरेट में वो कंपनी भी आएगी. अभी तो ऑलरेडी कौन कौन आ रहा है? बोले बस वो कंसेप्ट लगा, 5 जो भी एसोसिएशन हो 5 चीजें पूरी कर रहा है वो. हाँ, क्योंकि मैं तो बोल रहा हूं कि भाई बॉडी कॉर्पोरेट में वो कंपनी भी जो इंडिया के क्या है, बाहर. तो अगर वो भी है तो ऑलरेडी कौन है? बोले वही ऑलरेडी जो 5 चीजें पूरी करते हैं ना, वो बाय डिफॉल्ट इधर है, वो भी है. बच गया. यहां पे सिर्फ कंपनी तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है वो, कि वो कंपनी भी आ रही बेटा, वो कंपनी भी आ रही मतलब कंपनी के अलावा बॉडी कॉर्पोरेट में ICAI, ICSI, CCI, अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल, माइक्रोसॉफ्ट सवाल. अरे हाँ, बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर तमाम एंटिटी, चाहे वो इंडिया में रजिस्टर हो चाहे इंडिया के बाहर, वो 5 चीजें है. वो क्या है? ये भी का मतलब समझा क्या? यहां पे ना तुम भी को सिर्फ भी तक मत रखो, यहां तक रखो वो कंपनी भी आ रही है. कंपनी तो सिर्फ ये कंपनी भी आ रही का मतलब कंपनी के अलावा क्या क्या है? LLP भी है, स्टैट्यूटरी बॉडी भी है, ICAI भी है, ICSI भी है. ये सारे बाय डिफॉल्ट इसके क्या है? अंदर. वापस आते हैं अपन, बॉडी कॉर्पोरेट समझा. सेक्शन नंबर 1, सब सेक्शन नंबर 4, क्लॉज नंबर F, बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ एंड नोटिफाइड बाय CG. ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट, क्या बोल रहा हूं, ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो कि इनकॉर्पोरेटेड है किसी एक्ट में और नोटिफाइड है CG के द्वारा, यानी कि वो कंपनी नहीं. बड़ा टर्म है ना, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर कंपनी तो आई रही है, लेकिन कंपनी तो अपन ने ABCDE में कवर कर लिया, यानी कि ये वाला F वाला बॉडी कॉर्पोरेट है, ये वो बॉडी कॉर्पोरेट बोल रहा है जो इन कंपनी के क्या है? अलावा. तो कहता है ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट. कैसी बॉडी कॉर्पोरेट? ऐसी जो कि इनकॉर्पोरेटेड है किसी एक्ट में और साथ साथ में CG ने क्या कर दिया है? नोटिफाई. अरे हाँ, उसपे भी कंपनी से 2013 लगेगा, वो कंपनी नहीं है. वो क्या है? बॉडी. सर ऐसी कौन सी बॉडी कॉर्पोरेट है जिसको CG ने नोटिफाई किया है और वो कंपनीज एक्ट को कंप्लाई करेगी, भले वो कंपनीज एक्ट 2013 पे रजिस्टर, वो अपने भलते ही किसी एक्ट में रजिस्टर है. NHAI और FCI, ये 2 ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट हैं जो कंपनीज एक्ट 2013 पे इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, बट क्योंकि इनको CG ने नोटिफाई कर दिया है तो भले तुम कंपनी नहीं हो, तुम्हारे ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा. और किसी को नोटिफाई किया है? फिलहाल तो नहीं, करेगा तो बताऊंगा. बरोबर. थोड़ा और क्लैरिटी देता हूं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मजा आते जाएंगे. बढ़ो जीवन में आगे. मैं ट्रू फॉल्स पूछना चाहता हूं आपसे, बस मैं ये समझना चाहता हूं कि आपको जैसे जैसे आप इसका आंसर करते जाओगे गलत करना, अगर गलत निकला तो याद रह जाएगा,
नहीं आंसर किए तो तकलीफ होगा, कहां आ रहे हैं ट्रू और फॉल्स। पहले सेकंड वाला पढ़ना, पहले कौन सा पढ़ना सेकंड, उसके बाद पहला पढ़ना। एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज अ कंपनी बट एवरी कंपनी इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट। वापस पढ़ता हूं, एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज अ कंपनी बट एवरी कंपनी इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट। सेकंड वाला पहले पढ़ना है, सेकंड वाला क्या करना है एक एक करके चलते हैं। सुनो मैं किसकी बात कर रहा हूं, बॉडी कॉर्पोरेट। अब एवरी बॉडी कॉर्पोरेट अगर मैं बोलूं तो एवरी बॉडी कॉर्पोरेट में तो भाई आईसीएआई भी आती है, आईसीएसआई भी आती है, आईसीएमएआई भी आती है, सेबी भी आती है। अरे हाँ, ये सारे के सारे क्या हैं, बॉडी कॉर्पोरेट। ये कंपनी उल्टा लिख दिया, लेकिन एवरी कंपनी देखो, एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज अ कंपनी बट एवरी कंपनी इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट, उल्टा लिखा है। हर बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी नहीं होगी, ये बॉडी कॉर्पोरेट है, ये कंपनी नहीं है। एचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बॉडी कॉर्पोरेट है, क्या कंपनी है? नहीं। लेकिन ऊपर वाला स्टेटमेंट पढ़ो क्या कहता है, एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट बट एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट अ एसीटी लिमिटेड बॉडी कॉर्पोरेट, रिलायंस बॉडी कॉर्पोरेट, माइक्रोसॉफ्ट बॉडी कॉर्पोरेट है, एप्पल बॉडी कॉर्पोरेट है। हर कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन हर बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये कंपनी एक्ट में नहीं बने तो ये कंपनी नहीं है, ये क्या है? तो हर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट, लेकिन सारी बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दे आर बॉडी कॉर्पोरेट, दे आर नॉट कंपनी, बट एसीटी लिमिटेड इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। अरे हाँ, तो हर कंपनी क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट, इन सारी बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी नहीं है। क्लैरिटी है, नहीं समझ में आ रहा है? आर यू श्योर? थोड़ा आगे और बढ़ेंगे क्या, क्या तुम मेरे साथ हो? तो अगर मैं बोलू सेक्शन नंबर वन सब सेक्शन नंबर फोर का क्लॉज ए बी सी डी ई एफ, तुमको समझ में आ गया किस पे कंपनीज एक्ट 2013 लग रहा है? एक तो पहला कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट, दूसरा इंश्योरेंस, तीसरा बैंकिंग, चौथा एनी अदर कंपनी गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट एक्सेप्ट इन सो फार द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इज इनकंसिस्टेंट विद देयर स्पेशल लॉ। लास्ट ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो कि नोटिफाइड इनकॉर्पोरेटेड है किसी एक्ट में और नोटिफाइड बाय है सीजी, यानी कि वो कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड, वो कंपनी वो क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट। एनएचएआई एंड एफसीआई इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर देयर स्पेशल एक्ट, वो कंपनीज एक्ट में है नहीं, बट क्योंकि सीजी ने उनको नोटिफाई कर दिया है कि भले तुम बॉडी कॉर्पोरेट हो तुमको कंपनीज एक्ट 2013 लगे और ये पावर मेरे पास क्लॉज नंबर एफ से आया है, तो दे आर नॉट कंपनी, दे आर वॉट बॉडी कॉर्पोरेट। हर कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन सारी बॉडी कॉर्पोरेट एक कंपनी। मैं जीवन में आगे बढ़ता हूं धीरे धीरे, आपको और कंक्लूजन आते जाएगा, सुनना बात को ध्यान से। अब कहां चल रहे हैं अपन, फॉरेन कंपनी। पहले मेरे को एक बात बताओ, फॉरेन कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा? उसके लिए डेफिनेशन चाहिए, क्या चाहिए कि फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। एक लाइन पढ़ के बताओ कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा कि नहीं, एक लाइन पढ़ के बताओ कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा कि नहीं? क्यों नहीं लगेगा? सर कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, उसका इंटरप्रिटेशन निकाले, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट, जब बाहर चले गए तो कंपनी के डेफिनेशन से आउट, क्योंकि हमारा कंपनीज एक्ट 2013 लग रहा है उस कंपनी में जो कि इनकॉर्पोरेटेड है अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, वो इंश्योरेंस, वो बैंकिंग, वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी भी कंपनीज एक्ट में ही है, जस्ट बिकॉज स्पेशल लॉ है बोल के अलग से लिखा है तो कंपनीज एक्ट में ही। तो भाई हम कंपनीज एक्ट 2013 को लगाते हैं उस कंपनी में जो इंडिया के कंपनीज एक्ट पे क्या है, फॉरेन कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड है आउटसाइड इंडिया, लेकिन सिर्फ आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट होने से आप फॉरेन बनते हैं। लिखता है आपका प्लेस ऑफ बिजनेस कहां होना चाहिए, इंडिया, या तो खुद से या तो एजेंट से, या तो फिजिकली या तो इलेक्ट्रॉनिकली। एप्पल का मोबाइल खुद का स्टोर है इतना सारा, और अलग अलग जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनको एजेंट बना के रखा है, बाटो अमेज़न में अलग बेचता,
तो उसका प्लेस ऑफ बिजनेस तो खुद से भी है, एजेंट से भी है, फिजिकल भी है, इलेक्ट्रॉनिक भी है, अमेजॉन इलेक्ट्रॉनिक हो गया। अरे हाँ, तो कहते हैं ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड बाहर, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में और साथ साथ में इंडिया में क्या कर रही है धंधा, तो भाई ये सब स्टोर खोल के झुंझुना तो नहीं बजाएगी। अरे हाँ, तो मेक इट वेरी क्लियर कि सर आप सिर्फ बाहर इनकॉर्पोरेट हो गए बोल के फॉरेन कंपनी के लोग, बाहर इनकॉर्पोरेटेड हो लेकिन प्लेस ऑफ बिजनेस किधर है, इंडिया में, और धंधा कर रहे हो तो फॉरेन कंपनी के लोगे। अब मेरा बड़ा क्लियर क्वेश्चन है, जिसने आंसर दे दिया मजा आ जाएगा। हेलो सर, ऐसी कंपनी जो बनी इंडिया के बाहर है, हाँ मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, हाथ उठाना तुम लोग, मैं देखना चाहता हूँ तुमको समझाया कि नहीं, देख रहे हो ना एफर्ट। हाँ, तो बनी कहाँ है, इंडिया के बाहर। इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, एकदम मन में रखना आंसर। उस कंपनी को तुम्हारे हिसाब से मन पे क्या बोलोगे, हाथ उठाना अगर आंसर पता हो तो। भाई देखो, बनी बाहर है, अबे बनी बाहर है, धंधा इंडिया में कर रही है तो फॉरेन कंपनी बोलते बराबर, क्योंकि सिर्फ बाहर बनने से फॉरेन कंपनी नहीं बोलते, बाहर बने और धंधा इंडिया में कर रहे हो तो फॉरेन कंपनी हो, लेकिन सिर्फ बाहर बने हो धंधा इंडिया में नहीं है तो क्या बोलेंगे, मन में आंसर करके हाथ उठाओ। क्वेश्चन समझा भाई, इंडिया में बने हो तो कंपनी कहलाओगे, इंडिया के बाहर बने हो प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में तो फॉरेन कंपनी कहलाओगे। अब इंडिया के बाहर ही बने हो, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, तो ना तो कंपनी कहलाओगे ना तो फॉरेन कंपनी, तो क्या कहलाओगे मन में, किसको किसको पता है। हाँ, वो लातूर वाला भाई, बॉडी कॉर्पोरेट। अरे हाँ, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स आ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। आओ थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन और सीखे। क्वेश्चन है मेरा, एसीटी लिमिटेड है, एवरीबॉडी, एसीटी लिमिटेड है, इनकॉर्पोरेट हुई है कहां पे, बाय ऑल इंडियन सिटीजन, मैं, मेरा भाई, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे दोस्त, ऐसे मिलके हम सिंगापुर में सिटी लिमिटेड को क्या किए हैं, इनकॉर्पोरेट। उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, क्या फॉरेन कंपनी बोलेंगे, मन में आंसर, जिसको जिसको आंसर पता है मन में आंसर करके हाथ उठाएंगे। बोल भाई, फॉरेन कंपनी बोलेंगे क्यों, सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, having place of business in India. India के बाहर बना इंडियन सिटीजन रहे हैं, इससे कोई लेना देना, बन कहां रही है और धंधा कहां कर रही है इससे लेना देना, बनी बाहर धंधा इंडिया में, क्या है, फॉरेन। एसीटी लिमिटेड है, इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया में, इसका ब्रांच ऑफिस है सिंगापुर में, क्या फॉरेन कंपनी है, मन में आंसर, मन में आंसर। इनकॉर्पोरेटेड कहां पे है, इंडिया, ब्रांच ऑफिस कहां है, बाहर, कृष्णा बोलिए क्यों। सर इनकॉर्पोरेट इंडिया में हुई तो बात हो गई खत्म, वो क्या कहलाएगी, कंपनी, यानी कि सर ये फॉरेन कंपनी कहलाएगी। एज पर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 42, और ये कहलाएगी कौन सी, कंपनी, एज पर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर क्या, 20। क्या तुम मेरे साथ हो, थोड़ा सा जीवन में आगे बढ़ते हैं, मैं आपको लिखा हूं नेम द टाइप ऑफ कंपनी अकॉर्डिंग टू रिस्पेक्टिव सेक्शन, टाइप ऑफ कंपनी आपको बताना है, ठीक है, जिससे पूछूंगा वो। एसीटी लिमिटेड है, इनकॉर्पोरेटेड है कहां पे, इंडिया में, मन पे आंसर, टाइप ऑफ कंपनी बताना है सेक्शन के साथ कि सर ये कौन सी कंपनी है, मन पे आंसर, किसको किसको पता है कि एसीटी लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, तो टाइप ऑफ कंपनी क्या रहेगा, कि भाई कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट है, ये आपको बताना है, किसी को नहीं पता, बाकी इतने लोगों को ही पता है। हाँ भाई, ब्लैक टी शर्ट, इंडियन कंपनी, कौन सा सेक्शन, सेक्शन 2 क्लॉज 20। अरे भाई, सेक्शन 2 क्लॉज 20, कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, तो अगर एसीटी लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इंडिया में है तो क्या रहेगी, कंपनी। अरे हाँ, एप्पल इंडिया इनकॉर्पोरेटेड है आउटसाइड इंडिया, लेकिन प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पे है, इंडिया में, किसको किसको आंसर पता है मन में कि कौन सी टाइप ऑफ कंपनी रहेगी। हाँ, ब्लैक टी शर्ट, यस, फॉरेन कंपनी, सर बनी बाहर, धंधा किधर कर रही, इंडिया में, सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 42, फॉरेन कंपनी, बरोबर है। लास्ट है, चिंग पुंग प्राइवेट लिमिटेड है, इनकॉर्पोरेट है आउटसाइड इंडिया, लेकिन कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, कौन सी कंपनी, लास्ट वाली बच्ची, बॉडी कॉर्पोरेट।
क्या मैं साथ साथ में इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया ही है, क्योंकि ना तो कंपनी है ना तो फॉरेन कंपनी है, मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बट टू बी मोर स्पेसिफिक मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, बॉडी कॉर्पोरेट। और जीवन में आगे क्या मैं कह सकता हूं, मतलब आपसे पूछ रहा हूं कि जब मैं बॉडी कॉर्पोरेट का वर्ड यूज कर रहा हूं, क्या इस बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर मैं कंपनी को इंक्लूड कर सकता हूं, क्या मैं इस बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर फॉरेन कंपनी को यूज कर सकता हूं, क्या मैं ऐसी कंपनी को इसमें इंक्लूड कर सकता हूं जो सिर्फ इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया लेकिन धंधा इंडिया में नहीं कर रही है, यानी कि ये कौन सा टर्म हो गया वाइड, बराबर है क्या, ये बहुत क्या हो गया ब्रॉड, तब आ जाएगा इसके अंदर, हाँ कि ना। मैं दूसरा जाता हूं, अब जब मैं कंपनी वर्ड यूज कर रहा हूं, क्या वर्ड यूज कर रहा हूं कंपनी, क्या मैं कंपनी के अंदर कंपनी को ले सकता हूं, क्या मैं कंपनी के अंदर फॉरेन कंपनी ले सकता हूं, क्योंकि दोनों पे जगह 220 सेक्शन 2 क्लॉज 20 कंपनी का डेफिनेशन, सेक्शन 2 क्लॉज 42 फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन, दोनों में यूज हो रहा है मींस, कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी, तो भाई कंपनी में वही कंपनी है कि जो इंडियन कंपनी एक्ट के अंदर है, फॉरेन कंपनी मत गुनाना, मींस वर्ड है, इंक्लूड्स नहीं है। अब अगर मैं कंपनी बोल रहा हूं तो कंपनी में यही आएगी जो क्या है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस, इसमें फॉरेन आने वाली, इसमें आने वाली, कंपनी वर्ड एक्सक्लूसिव है, मींस है, जो बोल रहा है वही आएगी, ये मत बोलो चलो ये भी तो एक्ट में इनकॉर्पोरेट है, वो भी तो बाहर इनकॉर्पोरेट एक्ट ही तो है, बोले एक्ट इंडिया वाला चाहिए, बाहर वाला फॉरेन कंपनी है, क्या फॉरेन कंपनी में कंपनी को डालू, फॉरेन कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, तो ये इंडिया वाली कंपनी फॉरेन कंपनी के शब्द के अंदर आने वाली, फॉरेन कंपनी के अंदर फॉरेन कंपनी तो आएगी ही, ऐसी कंपनी जो धंधा मतलब बनी बाहर है लेकिन धंधा इंडिया में, क्या इसको मैं फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में ले सकता हूँ, नहीं, क्यों, क्योंकि फॉरेन कंपनी सिर्फ वही कहलाएगी जो बनी बाहर लेकिन धंधा किधर, इंडिया। Are you sure? 100% final round. कंपनी है, फॉरेन कंपनी है और क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट, क्या तुम मेरे साथ हो, कंपनी है, फॉरेन कंपनी है और साथ में क्या है, बॉडी, आप बताते जाएंगे मैं टिक करते जाऊंगा ध्यान से, हाँ एक एक करके, एसीटी लिमिटेड है कंपनी में टिक करूं, ये कंपनी है यानी कि इसके ऊपर कंपनी से 2013 लगेगा, क्या ये फॉरेन कंपनी है, अगर भाई जो कंपनी कंपनी है मतलब एसीटी लिमिटेड इंडिया में है तो भाई ये फॉरेन कंपनी होने वाली, क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट है, एप्पल इंक कैलिफोर्निया वाली कंपनी, क्या ये कंपनी है, सर ये इंडिया में बनी ही, ये बनी है कैलिफोर्निया में लेकिन क्या इसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, क्या मैं इसको फॉरेन कंपनी बोलू, क्या मैं इसको बॉडी कॉर्पोरेट बोलू, यूनिलीवर लिमिटेड, ध्यान से सुनना, यूनिलीवर लिमिटेड जो है ये इंडिया की कंपनी, ये यूके की कंपनी है, इसकी सब्सिडरी हिंदुस्तान वो इंडिया में, पेरेंट कंपनी कहां पे है, बाहर, तो यूनिलीवर लिमिटेड क्या कंपनी बोलूंगा, क्या फॉरेन कंपनी, क्योंकि सर खुद यूनिलीवर बनी बाहर है लेकिन अपने बेटे वाले कंपनी हिंदुस्तान को यहां पे रखी हुई है, वो क्या है, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी कि क्या कहलाएगी, फॉरेन कंपनी, क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इंडिया में ही बनी है तो ये क्या कहलाएगी, कंपनी, क्या ये फॉरेन कंपनी है, क्योंकि यूनिलीवर लिमिटेड फॉरेन कंपनी है, हिंदुस्तान वाली तो यहां बनी है, इंड कंपनी कहां पे है, यूके में, इसीलिए हम उसमें कंपनी में टिक नहीं किए, हम किस पे टिक किए, फॉरेन, वो फॉरेन में बैठ गए, यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड खोल के धंधा कर रही बोल के वो फॉरेन, और हिंदुस्तान वाली तो यही है, तो जो यहां बनी है वो क्या है, कंपनी, इसीलिए इसको क्या नहीं बोलेंगे, फॉरेन, ये क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है क्योंकि ये कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड, क्या फॉरेन कंपनी है, क्या बॉडी कॉर्पोरेट है, सेबी कंपनी है, क्या फॉरेन कंपनी है, क्या बॉडी कॉर्पोरेट है, आईसीएआई क्या कंपनी है, क्या फॉरेन कंपनी है, क्या बॉडी कॉर्पोरेट है, एनएचएआई क्या कंपनी है, कंपनी नहीं है, क्या फॉरेन कंपनी है, क्या बॉडी कॉर्पोरेट है, सीआई क्या कंपनी है, क्या फॉरेन कंपनी है, क्या बॉडी कॉर्पोरेट है,
बट स्टिल इसके ऊपर कंपनीज एक 2013 लगेगा। इसके ऊपर जितने भी हैं ये ये ये, इनके ऊपर कंपनीज एक लगने वाला, क्योंकि ये तो फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी में कंपनीज एक लगता। ये बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड अभी है नहीं, इसको भी नोटिफाई नहीं किया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी है लगेगा, एसीटी लिमिटेड कंपनी है, क्लैरिटी है? आर यू श्योर 100%? थोड़ा सा रैंडम क्वेश्चन हो जाए क्या तुम्हारे साथ? हाँ, थोड़ा सा रैंडम क्वेश्चन हो जाए, फिर पूरा रिविजन करके इसको छोड़ेंगे और इस पूरी पीडीएफ को कहाँ कर दिया जाएगा? अपलोड टेलीग्राम में, या तो ज्वाइन हो जाना या तो वहां पे ड्राइव है वहां पे अपलोड कर देंगे, सब क्लियर हो जाएगा, सारी चीजें तुम्हारे पास रहेगी। क्या तुम मेरे साथ हो? एवरीबॉडी, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, कम ऑन एवरीबॉडी, आर यू श्योर? मेरा सवाल है, क्या है मेरा सवाल? है मेरा सवाल ऐसा है कि एक कंपनी है सैमसंग, सैमसंग लिमिटेड, ये बनी है कहां पे? साउथ कोरिया पे, बरोबर है क्या? इसका प्लेस ऑफ बिजनेस किधर है? इंडिया, बराबर है क्या? सबसे पहली बात तो बताओ, इस कंपनी को क्या बोलेंगे कंपनी से 2013 के हिसाब से? क्या इस फॉरेन कंपनी के ऊपर कंपनी से 2013 लगेगा? क्या इस फॉरेन कंपनी के ऊपर कंपनी से 2013 लगेगा? क्योंकि कंपनी से 2013 लगता है कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, बरोबर है? एक एलएलपी है, अरे हाँ, क्या इस एलएलपी को मैं बॉडी कॉर्पोरेट बोल सकता हूं? क्या इस बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर कंपनी से 2013 लगेगा? क्यों? क्योंकि इस बॉडी कॉर्पोरेट को सीजी ने नोटिफाई किया नहीं है, वो बोल रहा है उस बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर कंपनी से 2013 लगेगा जिसको सीजी ने नोटिफाई किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट है? क्यों? क्योंकि ये इनकॉर्पोरेटेड है किसी एक्ट में, इसके पास है सेपरेट लीगल एंटिटी, इसके पास है परपेचुअल सक्सेशन, इसके पास है कॉमन सील, इसके पास है कैपेसिटी टू स्यू और बी स्यूड, तो ये बॉडी कॉर्पोरेट तो है, ये क्या हो गई? बॉडी। लेकिन क्या ये कंपनी है? क्यों? क्योंकि कंपनी से 2013 पे रजिस्टर, बट ये बॉडी कॉर्पोरेट है क्योंकि उन पांच चीजों को ये पूरा करती है। अरे हाँ, तो बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर आम तौर पर तो कंपनी से 2013 लगता, बट अगर सीजी इसको क्या कर दे? नोटिफाई, तो इसके ऊपर क्या लगता है? कंपनी से 2013। तो क्या आईसीएआई को नोटिफाई किया गया है इसके ऊपर कंपनी से 2013 लगने वाला? सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट होने से कंपनी से 2013 नहीं लगता, बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाय सीजी से क्या लगता है? कंपनी से 2013। क्या तुम मेरे साथ? एवरीबॉडी, मैं जीवन में आगे बढ़ता हूं, क्या करता हूं? आगे बढ़ता हूं। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, क्या बॉडी कॉर्पोरेट है? पांचों चीजें पूरी हो रही है, अरे हाँ के ना। मैं कहता हूं ये नोटिफाइड बाय सीजी है, क्या है? नोटिफाइड बाय सीजी, क्या लगेगा इसके ऊपर कंपनी से 2013? द आंसर इज यस, नोटिफाई होना जरूरी है। सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट होने से कंपनी से 2013 लगने वाला, एंड मेक श्योर बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी से 2013 पे रजिस्टर्ड। ए बी सी डी ई, पांचों पॉइंट में वर्ड क्या लिखा है? कंपनी, एफ पे लिखा है बॉडी कॉर्पोरेट, और बॉडी कॉर्पोरेट एक बड़ा टर्म, कैसा टर्म है? बड़ा। बढ़ो जीवन में आगे, ए सी टी लिमिटेड है, बराबर। मैं तीन चीजें लिख रहा हूं, कंपनी, मैं लिख रहा हूं फॉरेन कंपनी, मैं लिख रहा हूं बॉडी कॉर्पोरेट। मैं एसीटी लिमिटेड को इन तीनों में से कौन कौन से नाम से पहचान सकता हूं? कंपनी के नाम से पहचान सकता हूं और बॉडी कॉर्पोरेट के नाम से पहचान सकता हूं, फॉरेन कंपनी के नाम से पहचान नहीं सकता। क्या तुम मेरे साथ हो? एप्पल इंक प्राइवेट लिमिटेड, इंक प्राइवेट मीनिंग एप्पल इंक, कितने नाम से जान सकता हूं? कंपनी, फॉरेन कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, बताओ। फॉरेन कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इस नाम से पहचान नहीं सकता। क्या तुम मेरे साथ हो? सेबी है मेरे पास, बराबर, किस नाम से पहचान सकता हूं? कंपनी, फॉरेन कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। बोले सर ना कंपनी ना फॉरेन कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट। तुम मेरे साथ हो? सर मेरे पास एलएलपी है, किस नाम से जान सकता हूं? कंपनी, फॉरेन कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, किस नाम से जान सकता हूं? सर ना तो कंपनी बोलेंगे क्योंकि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, ना तो फॉरेन कंपनी बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? बॉडी कॉर्पोरेट। क्या तुम मेरे साथ?
सब कुछ क्लियर है तुमको, कसम से एकदम। चलो हो जाए क्या रिविजन, एक बार समझ लेते हैं अपन ने क्या क्या पढ़ के लिया है फटाफट। सबसे पहले अपन ने पढ़ के लिया राजा सेक्शन नंबर वन, सेक्शन नंबर वन के क्लॉज 1, 2, 3, 4 ये पढ़ के लिया। 1 के 4 में जब गए तो अपने को मिला 220, इसमें किसकी डेफिनेशन है, कंपनी की। फिर अपन गए सेक्शन 211 में, क्योंकि जब 1 के 4 में गए तो एफ में मिला बॉडी कॉर्पोरेट, तो बॉडी कॉर्पोरेट को पढ़ लिए 211, यहां पढ़ लिए क्या कंपनी, और यहां जब गए थे तो अपने को 267 में मिला प्रीवियस कंपनी लॉ, क्या तुम मेरे साथ हो। फिर जीवन में अपन आगे बढ़े सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 42, उसको अपन बोल रहे फॉरेन कंपनी। इतना ही पढ़े हैं आज, क्या तुम मेरे साथ हो। एक चीज और बताना चाहता हूं, बस कितनी चीज, एक चीज आप अगर नोटिस कर पा रहे होगे तो मैं सेक्शन नंबर 1 जब बोल रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं सब सेक्शन नंबर 1, सब सेक्शन नंबर 2, सब सेक्शन नंबर 3, सब सेक्शन नंबर 4, बट जब मैं सेक्शन 2 बोल रहा हूं तो मैं क्लॉज 20, क्लॉज 11, क्लॉज 42, क्लॉज 67 ऐसे बोल रहा हूं। नोटिस किया आपने, मैं वहां पे सिर्फ क्लॉज क्लॉज बोल रहा हूँ, लेकिन जब मैं सेक्शन की बात कर रहा हूँ 1 के अंदर तो मैं सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3, सब सेक्शन नंबर 4 बोल रहा हूँ। इसको लॉजिकली समझना, आमतौर पर इसको कोई समझता नहीं है, सुनना क्या बोलता है, क्या तुम मेरे साथ हो। मैं एक बार आपके सामने क्या खोलना चाहूंगा, बेयर एक्ट, क्योंकि उसका रेफरेंस बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी। जस्ट अ मोमेंट दोस्तों, कंपनीज एक्ट का बेयर एक्ट दोस्तों देखो, सेकंड नंबर का जो सेक्शन है सेक्शन 2, क्या आपको क्लियर है कि उधर डेफिनेशनल क्लॉज ही है, अलग अलग क्लॉज में क्या है डेफिनेशन। अगर आप नोटिस करोगे सेक्शन नंबर 1 क्या बात कर रहा है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, ये चारों चीजें किसके बारे से बात कर रहा है, बराबर। यानी कि एक सब सेक्शन है, मतलब एक सेक्शन है जो कि सिर्फ और सिर्फ उसके चार सब सेक्शन एक ही के बारे से बात कर रहे हैं, दैट इज कंपनीज एक्ट 2000। सब सेक्शन नंबर 1 आपका शॉर्ट टाइटल, सब सेक्शन नंबर 2 आपका एक्सटेंड, सब सेक्शन नंबर 2 आपका कमेंसमेंट, सब सेक्शन नंबर 4 आपका एप्लीकेशन, चारों सब सेक्शन आपकी बात कर रहे हैं किसी एक की, बराबर। तो एक ही मुद्दे में चार बात है, लेकिन मुद्दा तो क्या है, एक एक मुद्दे में चार बात है, यानी कि चारों का आपस में कनेक्शन किसके साथ है, कंपनीज है, कि तेरा शॉर्ट टाइटल, तेरा एक्सटेंड, तेरा कमेंसमेंट और तेरा एप्लीकेशन। इसीलिए बोल रहा है सेक्शन 1 का पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा, सारों चारों भाग किसके हैं। जैसे ही आप सेक्शन नंबर किस पे आते हो, 2 पे, अल्फाबेटिकली सब कुछ डिफाइन है, कैसे अल्फाबेटिकली, एक से आया अब्रिज प्रोस्पेक्टस, 2 से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, 3 से अल्टर आया, 4 से अपेलेट, 5 से आर्टिकल, 6 से एसोसिएट, ऐसे करके अपने को 11 में मिला क्या, बॉडी कॉर्पोरेट। अब्रिज प्रोस्पेक्टस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अल्टर, क्या इनका आपस में कोई कनेक्शन है, दे आर इंडिपेंडेंट क्लॉज। अरे हाँ, 1, 2, 3, 4 ऑफ सेक्शन नंबर 1 दे आर टोटली टॉकिंग अबाउट कंपनीज एक्ट 2013, दे आर हैविंग सम कनेक्शन विद दैट सेक्शन, कि हम शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट एप्लीकेबिलिटी कंपनीज एक्ट 2013 की बता रहे हैं। सेक्शन 2 डेफिनेशन कंपनी फॉरेन, किसी का कोई आपस में मेल जोल, किसी का कोई आपस में कनेक्शन, they are just talking about the different terms which will be used in the coming provisions. एक जगह डिफाइन कर ले, दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, 95 क्लॉज है 1 से लेके 95, अरे हाँ किसी का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, इसीलिए वो सेपरेट सेपरेट पॉइंट्स हैं जिसको बोल रहा है क्लॉज 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 क्लॉज। बट जब सेक्शन नंबर 1 की बात चल रही है वो चारों के चारों बात किसकी कर रहे हैं, सबसेक्शन। और ये क्लियर लॉजिक है जब आप पता लगा पाओ कि अरे सर ये तो क्लॉज है, आपको सिर्फ सेक्शन 2 पे मिलेगा विदाउट सबसेक्शन सारे के सारे क्लॉज, और बाकी हर जगह आपको सेक्शन के साथ क्या मिलेगा, सबसेक्शन। कई जगह सिर्फ एक लाइन में सेक्शन खत्म है, तो वहां पे सिर्फ सेक्शन है, वहां पे सबसेक्शन होता, क्या डिफरेंस कर पा रहे हो सबसेक्शन और क्लॉज के बीच में, एवरीबॉडी क्या तुम मेरे साथ हो। Let's revise. क्या करें, रिवाइज शुरू कर ले दोस्तों।
सबसे पहले अपन ने शुरुआत की है चैप्टर नंबर वन। चैप्टर नंबर वन किसकी बात कर रहा है? प्रीलिमिनरी। एवरीबॉडी क्या बात कर रहा है? प्रीलिमिनरी। प्रीलिमिनरी में कितने सेक्शन है? दो। सेक्शन नंबर वन, सेक्शन नंबर टू। सेक्शन नंबर टू में क्या है? डेफिनेशनल क्लॉज। टोटल 95 डेफिनेशन आपको वहां पे दिए हुए हैं, लेकिन सबके सब आपको पढ़ने की जरूरत, जितना जरूरी है उतना ही पढ़ेंगे। आज इस चैप्टर में भी पूरे नहीं होंगे जब कल शुरू करेंगे। जैसे जैसे चैप्टर आएगा वैसे वैसे डेफिनेशन चलेगा, बरोबर है? सेक्शन नंबर वन में कितनी बातें हैं? चार। पहला क्या कहता है? शॉर्ट टाइटल। दूसरा क्या कहता है? एक्सटेंड। तीसरा क्या कहता है? कमेंसमेंट। चौथा क्या कहता है? एप्लीकेशन। कमिंग टू सबसेक्शन नंबर वन, शॉर्ट टाइटल इज द कंपनीज एक्ट 2013। द का टी कैपिटल, कंपनी का सी कैपिटल, एक्ट का कॉमा करके 2013। एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, तो जहां कंपनी बना मैं वहां आएगा, लैंड बेस से 200 नॉटिकल माइल तक आएगा, बरोबर है? तीसरा कमेंसमेंट, तो इनेक्ट हो गया था 29 अगस्त 2013, प्रेसिडेंट साहब का क्या हुआ? साइन। लेकिन इसको पब्लिक में लाया गया 30 तारीख को और बोला गया सेक्शन वन में सारा आज, डिफरेंट प्रोविजन के लिए डिफरेंट डेट, कौन देगा? सीजी। फिर आता है सबसेक्शन नंबर चार। सबसेक्शन नंबर चार बात करता है किसकी? एप्लीकेशन। किसकी एप्लीकेशन? प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सो द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इज एप्लीकेबल ऑन क्लॉज नंबर ए, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी। प्रीवियस कंपनी लॉ इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 67 एंड सेक्शन 220 रीड विद सेक्शन 2 क्लॉज 67। कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट। क्लॉज बी इंश्योरेंस कंपनी, क्लॉज सी बैंकिंग कंपनी, क्लॉज डी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, क्लॉज ई एनी अदर कंपनी गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट। So, companies act 2013 is applicable on B, C, D, E, except in so far. The provisions of companies act 2013 is not inconsistent with their special law. जहां तक inconsistent नहीं है वहां तक लगेगा, जहां है उतना accept करो। अरे हाँ, clause number F, body corporate incorporated under any act and notified by CG. So two body corporates which are not incorporated under Companies Act 2000, they are incorporated under separate act, but they are notified by CG, that is NHAI, National Highway Authority of India, और दूसरा है क्या? Food Corporation of India, clear है? यहां से अपनी बातें निकल के किसके पास? Body Corporate, कि Body Corporate होता क्या है? तो concept ये कहता है कोई भी association, कोई भी entity जिसके पास कितनी चीजें हैं? 5 incorporated under any law, separate legal entity, common seal, last में कहता है capacity to sue and be sued, such entity and association is known as body corporate and they can also be called as a statutory body, clear है? Section 2 clause 11, body corporate includes a company incorporated outside India. बॉडी कॉर्पोरेट में वो कंपनी भी आएगी जो इंडिया के बाहर क्या है? इनकॉर्पोरेटेड। वो कंपनी भी आएगी तो और कौन कौन आ रहा है? बोले इधर साले सेबी, आईसीआई, आईसीएसआई, कंपनी हो, फॉरेन कंपनी हो, एलएलपी हो, सब क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। एवरीबॉडी, सो बॉडी कॉर्पोरेट इज अ वाइडर टर्म, इट इंक्लूड्स एवरी एंटिटी रजिस्टर्ड इनसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया। एवरीबॉडी क्या तुम मेरे साथ हो? अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड क्या है? कंपनी है? फॉरेन कंपनी है? बॉडी कॉर्पोरेट? एप्पल इंक प्राइवेट लिमिटेड क्या है? आर यू श्योर? यूनिलीवर लिमिटेड क्या बॉडी कॉर्पोरेट है? सेबी कंपनी नहीं है? आर यू श्योर? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड फॉरेन कंपनी नहीं है? है तो सब्सिडरी उसी की, बनी तो इंडिया में है, इसीलिए क्या है? कंपनी। NHAI कंपनी है? फॉरेन कंपनी है? बॉडी कॉर्पोरेट है? कंपनी एक्ट लगेगा? वापस NHAI कंपनी है? फॉरेन कंपनी है? बॉडी कॉर्पोरेट है? कंपनी एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड है? इनकॉर्पोरेटेड इन अ सेपरेट है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बॉडी कॉर्पोरेट है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फॉरेन कंपनी है? तो क्या है?
फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज अ बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड इन देयर सेपरेट एक्ट. वेदर इट इज अ कंपनी, इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाय, दैट्स व्हाई कंपनीज एक्ट 2013 इज एप्लीकेबल. क्या तुम मेरे साथ हो? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया क्या बॉडी कॉर्पोरेट है? Yes. क्या फॉरेन कंपनी है? No. क्या कंपनी है? No. क्या कंपनी से 2013 में रजिस्टर्ड है? No. क्या कंपनी से लगेगा? क्योंकि है तो बॉडी कॉर्पोरेट लेकिन सीजी ने नोटिफाई किया लास्ट. हेलो, क्या तुम मेरे साथ हो? एलएलपी फॉरेन कंपनी है क्या? एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट जरूर है क्योंकि वो इनकॉर्पोरेटेड है, उसके डेफिनेशन में भी यही है. बट वो फॉरेन कंपनी कभी नहीं होगी क्योंकि वो है ही पार्टनरशिप. क्या कंपनी से 2013 लगेगा? क्योंकि वो नोटिफाइड नहीं है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. टेलीग्राम ग्रुप में कौन कौन जुड़ा हुआ है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू, क्लैप फॉर योरसेल्फ. टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए कोई है? कौन कौन जुड़ा हुआ है? ठीक है. मेल मेल आया होगा आप लोग को कि नहीं आया है? ठीक है. जिसको जिसको मेल आया है, जिसको जिसको मेल, उसके ड्राइव पे नोट्स अपलोड हो जाएगा. ऑनलाइन वालों को तो वैसे ही ड्राइव में मिल जाएगा. मजा आया क्लास में? टेक केयर, बाय बाय, कल मिलते हैं. अरे हाँ, कल संडे भावा, कल क्लास नहीं. हाँ, मंडे मिलेंगे. मंडे मंडे. शुक्रिया ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट. तनिष्क जी सर, बुक मिल गई है. थैंक यू सो मच, बहुत फास्ट डिलीवरी हुई. थैंक यू, शुक्रिया सर. आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर. एनसीएलटी और एनसीएलईटी में क्या डिफरेंस है? बेटा कल बेसिक की क्लास में बताया है वो. सर मैं लिखना क्या है समझा दो, सारा समझ तो सारा गया. आपको सिर्फ उतना लिखना है जहां से मैंने सेक्शन वन शुरू किया था. मैं आपको भेज देता हूँ जहां से मैंने सेक्शन वन शुरू किया था. एक सेकंड रुकना ऑनलाइन वाले. हाँ बोलो, कोई बात नहीं. देख इतना डीप पे जाना नहीं है. मैं तेरे को बताता हूँ, जो लैंड बेस है ना, लैंड बेस से 12 नॉटिकल माइल तो अपन ने छोड़ के ही रखा है. क्यों बताता हूँ, जैसे कि मान ले भाई इंडिया है तो वो स्ट्रेट लाइन में तो नहीं है, वो ऐसे नक्शा है उसका. तो अगर उसके आड़े टेढ़े से अगर अपन 200 नॉटिकल माइल नापना शुरू करें तो 200 नॉटिकल माइल भी आधा टेढ़ा आएगा. तो पहले तो जो लैंड बेस जहां खत्म हो रहा है वहां से 12 नॉटिकल माइल तो एक लाइन खींची गई है. बीच का तो वो भी इंडिया है जो 12 नॉटिकल माइल के बाहर लाइन खींची है, यानी कि लैंड बेस 12 नॉटिकल माइल की लाइन खींची. तो ये बीच भी इंडिया ही है. बट इस जो लाइन खींचे 12 नॉटिकल माइल एक स्ट्रेट लाइन यहां से 200 नॉटिकल माइल. हाँ, ये 12 नॉटिकल माइल की जो स्ट्रेट लाइन है वहां से 200 पूरा इंडिया है. हालांकि देख वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करेगा तेरे टैक्स के पर्पस के लिए. कंपनीज एक्ट में उसका इतना लेना देना नहीं है. बताओ और सर, दूसरी केस स्टडी होती इज्जत पापड़ जी. हां त्यांची YouTube केस स्टडी मध्ये बघितलं त्यांचा प्रॉफिट पण ते एका पर्सनला जात नाही. हां जेवढं त्यांच्यात महिला कामगार काम करतात. तू हिंदी में बोल ना थोड़ा सा. सॉरी, इज्जत पापड़ ची केस स्टडी जो थी वो ऐसे मतलब मैंने YouTube से देखी. हां देखी थी. ऑनलाइन वाले रुकना, आपके जो डाउट होंगे एंटरटेन करूंगा, बस इधर सुन लो. हां उनका प्रॉफिट जो है वो कभी एक इंसान ज्यादा या जो उनके फाउंडर है उनको सात महिलाएं फाउंडर थी. ठीक है, जितने भी काम करती है महिलाएं उन सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है. ठीक है, तो ये कौन से टाइप की मतलब मेरे को देखना पड़ेगा कि वो कौन से एक्ट में रजिस्टर्ड है. अगर कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है तो कंपनी है, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोऑपरेटिव, जिस हिसाब से तू बता रहा है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है कि वो आपस में बट रही है. हाँ. क्योंकि उनको सब मिलके चला रहे थे तो कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी. मैं एक बार देख लेता हूँ क्या फॉर्म है उसका, कल बता दूंगा. ठीक है, ओके ओके. फॉरेन कंपनी में प्रोविजन अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 में, जो कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया ना 373 से जो शुरू हो रहा है वहां पे पढ़ेंगे कौन से प्रोविजन है. पूरा एक चैप्टर है उसका अलग से फॉरेन कंपनी का. ठीक है, फॉरेन कंपनी को किसी इंडियन कंपनी बाय नहीं करेगी, उसके पूरे शेयर्स ले लेगी, मतलब होल्डिंग बन जाएगी. तो ये होल्डिंग कहलाएगी, वो सब्सिडियरी कहलाएगी. वो आज भी फॉरेन ही कहलाएगी और ये आज भी इंडियन ही कहलाएगी. हाँ, एक्विजिशन हुआ है तो सब्सिडरी हो गई, बट ये नहीं कहलाएंगे कि वो वहां है तो वो इंडियन कहलाएंगे क्योंकि हमने ले लिया. वो फॉरेन ही कहलाएगी. क्यों? क्योंकि इनकॉर्पोरेटेड तो बाहर ही है. बरोबर है ना, इनकॉर्पोरेटेड बाहर है, प्लेस ऑफ बिजनेस आप एक्वायर करके अगर इंडिया में कर रहे हैं तो फॉरेन कंपनी.
तो ऐसा नहीं जस्ट बिकॉज इंडियन कंपनी ने एक्वायर कर लिया तो फॉरेन कंपनी का स्टेटस चलेगा वो इंडियन बन जाएगी। इनकॉर्पोरेट कहाँ हुई है वो ही अल्टीमेट कंसेप्ट है कंपनी या फॉरेन कंपनी, कभी चेंज नहीं होगा वो फॉरेन। इनकॉर्पोरेट जहाँ हुई है वहां से डिसाइड होगा, इनकॉर्पोरेट इंडिया में हुई कंपनी बस खत्म खत्म। इनकॉर्पोरेट जहाँ हो रही टाइटल नहीं, इनकॉर्पोरेट कहाँ हो रही बस बस। इसके लिए हाँ फॉरेन कंपनी के लिए अलग है ना पूरा, वही तो बोला चैप्टर नंबर 11 में एक पूरा सेपरेट टॉपिक है फॉरेन कंपनी के ऊपर, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया उसके प्रोविजन अलग पड़ेंगे। कंपनीज एक्ट 2013 का जो संबंध है उसमें चैप्टर 11 में पता चलेगा बरोबर। मतलब अगर स्टॉक मार्केट में आओ तो इंडियन कंपनी हो भाई। देख स्टॉक एक्सचेंज की एक दूसरी बात हो गई, उससे भी रेगुलेशन में आ गया। अभी जो तेरा मुद्दा है फॉरेन कंपनी हाँ आएगी ना, क्यों नहीं आ पाएगी? ऐसा थोड़ी कि आप लिस्ट नहीं हो सकते बाहर के, इंडियन कंपनी भी फॉरेन के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो सकती है। हाँ वो एक अलग सेगमेंट है, वो सेबी रेगुलेशंस के अंदर आएगी सारी चीजें, उसका कोई लेना देना नहीं कंपनीज एक्ट 2013 से। हाँ बोलो देख SBI तो बॉडी कॉर्पोरेट है लेकिन HDFC बैंक लिमिटेड ये कंपनी है, ये यस बैंक ये कंपनी है। SBI तो भाई उसके लिए अलग से सेपरेट एक्ट बना है, वो किसके अंदर आएगी? बॉडी कॉर्पोरेट स्टेट्यूटरी बॉडी के अंदर आएगी क्योंकि वो कंपनीज एक्ट में नहीं है, उसका अलग से एक्ट है तो वो बॉडी कॉर्पोरेट है। समझा क्या? हाँ हाँ SBI का एक अपना अलग है, SBI कंपनी नहीं है ना। SBI के लिए अगर सेपरेट एक्ट पास हुआ और SBI अगर कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर नहीं हुई है वो कंपनी नहीं है तो कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा क्या? नहीं लगने वाला। अब बात आती है अपने पास क्या कि भाई अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट है तो क्या वो नोटिफाइड है? नहीं नोटिफाइड है तो अपने एक्ट से रेगुलेट होगी बरोबर है। और बोल ठीक है ओके हाँ जी हाँ ऑब्वियसली वो इंडिया का ही पार्ट है ना, ऑब्वियसली पांडिचेरी इंडिया के बाहर है फिर। हाँ यस हाँ जी सारे ऑनलाइन स्टूडेंट हाँ हाँ बोलना। मेरे दोस्त को फाउंडेशन फिल हुआ हाँ, सेकंड ईयर में है हाँ, तो कब से स्टार्ट करना भाई? डायरेक्ट एंट्री के लिए उसको कब से स्टार्ट करना पड़ेगा? फाइनल ईयर में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कराएगा, एग्जाम फॉर्म भरने के पहले उसका मार्कशीट आना जाने चाहिए ताकि वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन फिक्स हो जाए, उसके बाद वो एग्जाम देगा। तो अगर उसका एग्जाम जल्दी खत्म हो जाता है और रिजल्ट आ जाता है एग्जाम फॉर्म भरने के पहले तो अभी शुरू कर दे, नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट। फाउंडेशन स्टार्ट कर दिया है ठीक है, तो अगर फाउंडेशन जल्दी हो गया तो वो अभी दे देगा कि वो सेकंड ईयर के सेकंड टर्म में है तो उससे पहले तो अपना चालू हो जाएगा बराबर बराबर। अगर नहीं भी हुआ तो फिर थर्ड ईयर के फर्स्ट टर्म में उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा बराबर बराबर। क्लासेस भी तभी लेने ऑब्वियसली, अभी पहले से लेके क्या करेगा वो, माहौल बनेगा तब करेंगे ठीक है। थैंक यू यस यस वेलकम। चलिए तनिष्क जी का डाउट है सर, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी, इसमें कंपनी की डेफिनेशन 220 वाले तो आउटसाइड इंडिया का कंसेप्ट कैसे आएगा? भाई तू अभी तक कंसेप्ट ही नहीं समझा, तू लेक्चर दोबारा देख। सर PDF टेलीग्राम में कब तक आएगी? अभी आ जाएगी थोड़ी देर में। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो शुक्रिया। किसी ने डैश से सर से क्लास ली है? ली है बहुत सारे लोग भी। सर बुक्स आई है 12 फेब को किया था परचेस, नहीं आई है भाई, आएगी 10 दिन के आसपास लगता है, ऊपर नीचे हो सकता है। हैंड रिटन नोट्स कब लोग होंगे? हैंड रिटन नोट्स ऑलरेडी अपलोड हो गए भाई, ऑलरेडी अपलोड हो गए, ड्राइव चेक कर ठीक है। सर एप्पल इंक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई या नहीं? मैं उसको प्राइवेट लिमिटेड गलती से बोल दिया था फ्लो में, एप्पल इंक बाहर की कंपनी फॉरेन कंपनी कहलाएगी, वो मुंह से निकल गया था। यथार्थ कह रहा है मजा आ गया सर। सर ये PDF कॉपी में नोट करना है या नोट बनवाओगे अभी इसके? बेटा ये वाला नोट करना है जो मैं आपको भेजूंगा, क्योंकि आज ही नोट करवाना था बट समय की वजह से नहीं करवा पाया, तो उसको करना पड़ेगा ठीक है। ठीक है मैं अगले क्लास में खुद ही बनवाऊंगा नोट्स, आज समय नहीं था इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे कि आज मैंने बोला था कि दूंगा वैसा। जी शुक्रिया। ठीक है सर ये नोट्स लैपटॉप में कैसे देखेंगे? भाई PDF में अपलोड कर दूंगा तो लैपटॉप में PDF जैसे खुलती वैसे देखेंगे। गजब सवाल पूछ रहा है यार। टेलीग्राम ग्रुप दे दो सर। टेलीग्राम का ग्रुप की लिंक इनरोल्ड स्टूडेंट के मेल के अंदर आएगी, ऐसे खुले हम उसको बांटा नहीं जाता, वो इनरोल्ड स्टूडेंट के लिए ठीक है। चलिए लाइव बैच वालों को रिकॉर्डेड बैच कहाँ मिलेंगे? लाइव बैच वालों को रिकॉर्डेड उसी मेल में मिलेंगे जिस मेल की हम बार बार बात कर रहे हैं, जाके थोड़ा सा मेल को पढ़िए जो आया है वहां पे आपको मिलेंगे। नीतू जी कह रही बहुत मजा आया शुक्रिया। डाउट वाला नंबर है आपका? बिल्कुल, आपको जो मेल मिला उसमें मेरे डाउट सपोर्ट का नंबर है।
सर ये वाले नोट्स राइटिंग प्रैक्टिस वाली कॉपी में लिखना है, नहीं ये वाले नोट्स आपको कंसेप्ट वाले नोट्स में लिखना है, राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आंसर लिखने के लिए अपन करेंगे, ठीक है। चलो टेलीग्राम ग्रुप में आएंगे नोट्स, नहीं बेटा ड्राइव में आएंगे, मैंने बस बोला टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखो, नोट्स जो आएंगे वो ड्राइव के अंदर आएंगे। सर एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए, एनसीएलटी और एनसीएलएटी का मीनिंग क्या है? एनसीएलटी इज नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, कंपनी लॉ के मुद्दे के संबंध में उसके पास सुनवाई होगी, और एनसीएलटी से दुखी हो तो एनसीएलएटी नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्राइब्यूनल के पास अपील में जाओगे, ठीक है। आपकी क्लास ऐप पर कब चलेगी बेटा? 5 से 6 दिन के बाद आपको बता दिया जाएगा। शुक्रिया, फैंटास्टिक लेक्चर बोल रहे, शुक्रिया। इनवॉइस नहीं आई है बेटा, इनवॉइस के लिए आप ऑफिस में फोन करो, मैं कहाँ से दूंगा। थैंक यू सो मच, क्लास खत्म हुए पता ही नहीं चला, बेस्ट टीचर, शुक्रिया। ठीक है सर, नोटिफाइड बॉडी कॉर्पोरेट में एक्सक्लूड एंड इंक्लूड दोनों हो सकता है क्या? नहीं, मतलब भाई देख, नोटिफाइड बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब ये है कि भाई ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सीजी ने नोटिफाई किया है, जिसको सीजी नोटिफाई कर रही है वो कंपनी एक्ट को कंप्लाई करेगी। सीजी नोटिफाई नहीं किया मतलब बाय डिफॉल्ट वो एक्सक्लूडेड है, क्योंकि बोला जिसको नोटिफाई किया उसको कंपनी एक्ट 2013 लगेगा, अगर नोटिफाइड नहीं तो वो बाय डिफॉल्ट क्या है? एक्सक्लूडेड। सर पीडीएफ नोट्स मिलेगा? बेटा पीडीएफ नोट्स ऑलरेडी ड्राइव में अपलोड हो गया, थोड़ा सा आप अपने मेल वेल को चेक करो, आप सिर्फ हवा में तीर चला रहे हो सारे के सारे। सिस्टम हैंग कर दिया जी, शुक्रिया। ठीक है सर, फॉरेन कंपनी तो एज पर सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 उस पर कंपनी एक्ट नहीं अप्लाई होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 1-4 के अंदर कहां से फॉरेन कंपनी आ रही है? फॉरेन कंपनी का मतलब ही है कि इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है। सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 क्लॉज ए के अंदर सिर्फ कंपनी को रखा है जो इंडिया वाली है, फिर चाहे वो बैंकिंग हो, फिर चाहे इंश्योरेंस हो, फिर चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, फिर चाहे वो अलग कोई कंपनी हो जिसका स्पेशल लॉ हो, सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट एक ऐसा है जिसको कंपनी के अलावा कंपनीज एक्ट 2013 लगता है, वो भी तब जब सीजी उसको नोटिफाई करेगी तब। ठीक है, कल क्लास नहीं है बेटा, कल संडे है। ठीक है सर, 9 घंटे स्टडी इनफ है? बहुत ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा है, आराम से। सर आपके ऊपर आंख बंद करके भरोसा है जी, शुक्रिया। पढ़ाते तो गजब हो आप, एक नंबर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, शुक्रिया भाई। ठीक है, ठीक है, हो गया, सबके डाउट क्लियर है, करे कंक्लूड क्लास को, सारी मन की भड़ास निकाल लिए तुम लोग, कर दू कंक्लूड। चलो फेस टू फेस वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनसे बातचीत करनी है, अपन मंडे को मिलेंगे सीधा भी, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय बाय। सर ये विवेक बहुत बोल रहा है, अरे ठीक है तू आपस में समझ ले भाई, वो चैट में बोल रहा है, चैट में कोई कुछ भी बोलता है, टेंशन मत ले। चलो बाय बाय, टेक केयर।